आर परफेक्ट लॉर्ड। लॉर्ड जीसस, आप हमारे अंदर आज ऐसी प्रार्थना की आत्मा उंडेले खुदावन। ए खुदावन, आज शाम हमारे लिए एक मेमोरियल शाम बन सके, और हम में से कई लोग कह के निकले फ्रॉम दैट टाइम, दैट फास्टिंग एंड प्रेयर मीटिंग व्हेन गॉड केम डाउन, सिन क्वेश्चन सॉल्व इन माय लाइफ। लॉर्ड हैव मर्सी, लॉर्ड हाउ योर प्रॉफिट सेड, लॉर्ड इन द मैसेज ऑफ ब्लशिंग प्रॉफिट, शो मी अ मैन, शो मी अनदर कैल्विन, नॉक्स, फिनी, सेंकी और एनी ऑफ दोज हु फील द बर्डन ऑफ द पीपल दैट ले ऑन देयर फेस ऑन द अर्थ एंड प्रे ऑल नाइट। वी नीड अ जॉन स्मिथ, अ बैप्टिस्ट चर्च मेंबर अगेन, ओ लॉर्ड, जो अपने लोगों के लिए पूरी रात जाग के प्रार्थना करते कर सके। आज हमें ऐसे लोगों की जरूरत है प्रभु, हमें प्रार्थना नहीं आती प्रभु, आप ही हमारे अंदर ऐसा बर्डन को उंडेले, जो आपके बच्चे खुदावन रो रो के प्रार्थना कर सके, आहें भर भर के, आप हमारी मदद करें। हे पवित्र आत्मा, हमें आपकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज यहां पर कोई भी भाई कोई भी बहन प्रभु चुप ना बैठे, अगर एक प्रार्थना करे प्रभु उसके पीछे हां और आमीन के साथ शरीक हो खुदावन। आज हमें डैनियल्स की आवश्यकता है, आज हमें एज्रा जैसे भाई को आवश्यकता है, जो अपने भाई बहनों के लिए बर्डन के साथ वो प्रार्थनाएं कर सके प्रभु, और ये केवल आप कर सकते हैं प्रभु, ये बर्डन केवल आप डाल सकते हैं, ये इच्छा केवल आप डाल सकते हैं। सड़कों पे कितना अबोमिनेशन होता है, कितना गंद होता है प्रभु, आपने कहा इनके ऊपर माथे पे चिन्ह कर दे, जो अबोमिनेशन को देख के गंद को देख के रोते हैं, आहें भरते हैं और कहते हैं लॉर्ड हमें इस पेस्ट हाउस में नहीं रहना है, हमें आपके साथ जाना है प्रभु। There is a bride here Lord who crying tonight Lord and said Father हमें इस पेस्ट हाउस से ले चलिए। ऑफिस में डीमंस हैं, स्कूल में डीमंस हैं, लेकिन द सेम टाइम लॉर्ड वी आर ब्लेस्ड होप कि हेवन भी पृथ्वी पे है, आप भी उतर कर आ चुके हैं प्रभु। मुझे तो दुआ करने नहीं आती प्रभु, लेकिन आपका आत्मा ही सिखाएगा खुदावन, आप रहम करें खुदावन यीशु मसीह, आप आए हमारे बीच में, हमसे आके बातचीत करें खुदावन, रैप्चर के लिए तैयारी दीजिए, हमसे रैप्चर छूटने ना पाए खुदावन, आप दया करें प्रभु, हमारे बच्चों की सुधि लीजिए प्रभु, आप हमारे फैमिलीज की सुधि लीजिए प्रभु, आप रहम करिए खुदावन। खुदावन यीशु मसीह, भाई लाल और उनके ग्रुप को आप बहुत आशीष दीजिए प्रभु, अपनी आत्मा से हर एक भाई हर एक बहन को भरें खुदावन, प्रचारक भाई के लिए पास्टर भाई के लिए आपसे विनती करते हैं खुदावन, आप मेरे भाई को अपनी आत्मा से अधिकाई से भरे प्रभु, आप ऐसे बातचीत करें आज भी जैसे पहले कभी ना करियो खुदावन। जिस हालत में हमने यहां पर और मैंने एंट्री मारी है, हम चाहते हैं प्रभु उससे बेटर हालत में यहां से बाहर जाए खुदावन, आप जल्द करिए खुदावन, हम आपके साथ जाना चाहते हैं, बड़ी दया करें। हमारा गाना गाना, वचन में से पढ़ना, सब आपको पसंद आवे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, मेहरबानी से प्रार्थना विनती सुनिए और कबूल करें। आमीन आमीन हालेलुया। आइए प्रभु की तारीफ में गीत गाएंगे, गीत का नंबर 37 हिंदी सेक्शन से, वक्त मुबारक दुआ का, होती फिक्रे जब दूर और हम हाथे मुंजी मसीह के हुजूर। आमीन। आपकी मेरी विनतियों को कोई नहीं सुन सकता, केवल एक पावर है, केवल एक शक्ति है, उस शक्ति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। क्या आप लोग प्रार्थना करने आए हैं? क्या आप लोग उसके सामने फरियाद रखने आए हैं? Have faith in God, विश्वास रखिए, आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, यही विश्वास है, क्योंकि विश्वासी विश्वास से ही जीवित रहता है। आमीन हालेलुया।
मुबारक दुआ का होती फिक्र जब दू और हम आते मुन जी मसीह के हुजूर हम रखे सभी वो निद्रा है गापित में नान क्या ही है जब है मुंजी पड़ा क्या ही बाते बाप के पास और इत्मीनान क्या ही खूब है जब है मुंजी पड़ा वक्त मुबारक दुआ जब है मुंजी करी अपने लोगों की सुनता साथ रहमत जी डाले फिक्र अपनी सब उसके कामों के Yes, Lord. और इत्मीनान क्या ही खूब है जब है मुंजी पड़ा क्या ही खुशी का बाते बाप के पास oh yes Lord और इत्मीनान क्या ही खूब है जब है मुंजी पड़ा वक्त मुबारक दुआ का जब हो दूधित मीना और हम मांगते मसीह से दिल का इत्मीना आपने उल्फत अजी से वो करते खला और इत्मीनान क्या ही खूब है जब है मुंजी पड़ा क्या ही खुशी का बाते बाप के पास और इत्मीनान क्या ही है जब है मुंजी पड़ा वक्त मुबारक दुआ का और हम रखे ही मां कि वो बख्शेंगे हमको आराम बेबयां क्या ही खुशी पाते हैं फकत उसी के पास oh yes Lord और इत्मीनान क्या ही खूब है
क्या ही खुशी का पाते बाप के पास लॉर्ड जीसस इत्मीनान क्या ही खूब है जब है मुंजी पर Oh yes, Jesus, we worship you, my Lamb. दिल में शांति मिलती है, इत्मीनान मिलता है प्रभु जब आपकी नजदीकी में आते हैं खुदावन। दुनिया में कलेश है, दिक्कतें हैं। What a blessed promise जो आपने हमसे करा। एक खातिर जमा रखो, ढाढ़स बांधो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। Oh Lord. Lord, हमें आपकी बहुत आवश्यकता है। We need you every hour, Lord. We need you, Lord. We need you. हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते, Lord. हम confess करते हैं, अपने आप को surrender करते हैं। In the name of Jesus Christ, we ask this small prayer. Amen and amen. जबकि आप लोग खड़े ही हैं, इसी atmosphere में बने रहे मेरे भाई, मेरी बहन। Just don't look here and there. Close your eyes. We'll sing that wonderful, beautiful chorus. Only believe, all things are possible. Just only believe. Only believe. Only believe. And all. Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are My Jesus is here. आइए खुदा के कलाम को खोलेंगे और निकालेंगे एज़रा की किताब और उसका नवा अध्याय। और हम पढ़ेंगे उसकी पहली आयत से, पूरा ही चैप्टर है। और मैं इसको अपनी बाइबल में पढ़ रहा हूं, आप लोग अपनी बाइबलों में देख सकते हैं। Now when these things were done,
the princes came to me saying, the people of Israel and the priests and the Levites have not separated themselves from the people of the lands, doing according to their abominations, even of the Canaanites, the Hittites, the Perizzites, the Jebusites, the Ammonites, the Moabites, the Egyptians, and the Amorites. For they have taken off their daughters for themselves and for their sons, so that the holy seed have mingled themselves with the people of those lands. Yea, the hand of the princes and rulers had been chief in this trespass. When I heard this saying, I rent my garment and my mantle, and plucked off the hair of my head and off my beard, and sat down astonished. Then were assembled unto me everyone that trembled at the words of the God of Israel, because of the transgression of those that had been carried away, and I sat astonished until the evening sacrifice. Background ye hai. एज़रा के ज़माने में खुदावन ने एक आज्ञा निकाली कुसरू बादशाह के द्वारा कि मंदिर बहाल किया जाए. खुदा का धन्यवाद हो, बेबीलोन की गुलामी से लोग निकले और निकल के अपने मुल्क आए ताकि खुदा का मंदिर बनाए, और जो बना, रुकावटें आईं लेकिन प्रभु ने मदद करी. लेकिन मंदिर के बनने के बाद जब ये दौर खुदा के रहम का चालू हुआ तो एक नई खबर सुनने को मिली कि हमारे लोगों ने पराई स्त्रियों से, खासतौर से उन जातियों से जिनके लिए खुदा ने मना किया, यहां अपनी लड़कियां मत देना और उनके लड़के मत लेना, इन्होंने शादियां करी. और इसमें सबसे आगे जो बड़े बड़े लोग हैं, याजक हैं और जो हाकिम हैं, वो इस गुनाह में शामिल हैं. प्यारे भाई बहन, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बैकग्राउंड रखूंगा क्योंकि आज प्रभु ने मुझसे इसे डेफिनेट तौर से बातचीत करी है. आज मैं सुबह भी बैठा हूं, शाम को भी बैठा हूं, और खुदा ने कुछ बताया, इसलिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं. जब एज़रा के पास ये बात पहुंची तो वो चकित हो गया. इतने जबरदस्त गुनाह को अपनी प्रजा में देख के उसका मुंह खुले का खुला रह गया, वो अवाक रह गया, उसके पास बोलने के लिए कुछ रहा नहीं. और उसने गुस्से में कह लें या क्या कहें, अपने दाढ़ी के बाल नोच लिए, अपने सिर के बाल नोच लिए और राख और टाट ओढ़ के वो बीच सड़क पे चौराहे पे बैठ गया. उसको एक शर्म महसूस हुई अपने लोगों के गुनाहों को सुन के. आप तो ठीक हैं एज़रा भाई, आप क्यों इतना शर्मिंदा होते हैं, आप तो बहुत बढ़िया हैं. लेकिन यह एक खुदाई कैरेक्टर है कि जो एक बिचवई के रूप में खड़ा हो अपने और अपने प्रजा के लोगों के लिए. अभी मैं आज कुछ बात करूंगा, मेरे पास कुछ बात करने को है. और ये जन जब खुदावन के सामने चौक में खड़ा हुआ, चुप रहा, कुछ बोला ही नहीं. जब कभी कुछ ऐसी खबर सुनने को मिले कि दिमागी सन हो जाए, यही समझ में नहीं आता कि हम क्या बोलें, शर्म के मारे मुंह झुका हुआ है. तो सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई और अगले का मुंह नहीं खुला. इतना शर्मिंदा है वो अपने खुदा के सामने. सुन रहे आप? अब आया शाम की कुर्बानी का समय, जो कि लगभग 3 बजे का वक्त था. अब मैं पढ़ूंगा 5वीं आयत से. And at the evening sacrifice I rose up from my heaviness, and having rent my garment and my mantle, I fell upon my knees and spread out my hands unto the Lord my God, and said, O my God,
I am ashamed and blush to lift up my face to thee, my God. For our iniquities are increased over our head, and our trespass is grown up unto the heavens. Since the days of our fathers have we been in a great trespass unto this day, and for our iniquities have we, our kings and our priests, been delivered into the hand of the kings of the lands to the sword, to captivity and to a spoil and to confusion of face, as it is this day. मैं तो पढ़ रहा हूँ आप साथ साथ, आप भी अपनी बाइबल में समझ में आ ही रही होगी. Verse 8. And now for a little space, grace hath been shewed from the Lord our God to leave us a remnant to escape. On men, yet our God hath not forsaken us in our bondage, but hath extended mercy unto us in the sight of the kings of Persia, to give us a reviving, to set up the house of our God, and to repair the desolations thereof, and to give us a wall in Judah and in Jerusalem. And now, O our God, what shall we say after this? For we have forsaken thy commandments, which thou hast commanded by thy servants the prophets, saying, The land unto which ye go to possess it is an unclean land, with the filthiness of the people of the lands, with their abominations, which have filled it from one end to another with their uncleanness. Now therefore give not your daughters unto their sons, neither take their daughters unto your sons, nor seek their peace or their wealth forever, that ye may be strong and eat the good of the land, and leave it for an inheritance to your children forever. And after all that is come upon us for our evil deeds and for our great trespass, seeing that thou our God hast punished us less than our iniquities deserve, and hast given us such deliverance as this, should we again break thy commandments and join in affinity with the people of these abominations? Wouldest not thou be angry with us till thou hast consumed us, so that there should be no remnant nor escaping? O Lord God of Israel, thou art righteous, for we remain yet escaped as it is this day. Behold, we are before thee in our trespasses, for we cannot stand before thee because of this. Lord Jesus, we thank you for such a prayer of this man Ezra, whom Brother Branham called a blushing prophet. And today we are taking a context from this prayer and pray, Lord, that you give us an insight as to what we are supposed to pray and how we are supposed to behave in this hour. Under your blood we come. In the name of Jesus Christ we ask this prayer. आमीन. आप लोग बैठ सकते हैं. कल आगरा में एक शादी थी ब्रदर अनुराग और बहन मरलिन की. प्रभु का धन्यवाद हो. मैं वहां गया, मैंने किसी को बोला नहीं, लेकिन जब मैं उस चर्च में पहुंचा, है तो वो एक मेथोडिस्ट या जैसा भी चर्च, लेकिन फिर भी एक भवन था. और जब मैं वहां घुसा, अभी कुछ लोग आ रहे थे, अभी उनके आने में टाइम था, कि मैं एक प्रेरणा से अपने में भरना शुरू हुआ. खुदावन ने कुछ स्टेप्स लेने का फजल दिया और खुदा का धन्यवाद हो, बहुत बढ़िया शादी संपन्न हुई. खुदा ने अपना कलाम बख्शा, जितने आए सब बहुत ब्लेस हुए, और हम सब बड़े समय से अपने घरों तक भी पहुंचे, और आज शाम यहां प्रभु के भवन में हाजिर हैं. कुछ विचार चालू हुए
जो मुझे डायरेक्ट किए, आज सुबह जब फैमिली ऑल्टर हुआ घर में तब भी एक ऐसी आयत खुली, उसके बाद दुआ में खुदावन ने प्रेरणा से भरा इन स्क्रिप्चर्स को लेके, जिनको लेके मैं आपसे कुछ बातें आज शाम करना चाहूंगा। समय क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है, एज़रा की किताब और ये दुआ एक बड़ी हॉलमार्क दुआ है जो कि आप में से हर एक घर में जाके पूरी पढ़िए। बैकग्राउंड ये है कि जैसा मैं आपको बता चुका, लोगों ने गुनाह किया और उन्होंने पराई जातियों की लड़कियों को अपने घर में लिया और अपने लड़के उनको दिए, और इसमें सबसे आगे बड़े बड़े याजक और बड़े बड़े सिपहसालार और हाकिम थे। ये खबर जब एज़रा के पास पहुंची, चौराहे पे वो बैठ गया। क्या होंगे विचार एज़रा के जो दुआ में व्यक्त हुए, उन विचारों को मैं आपके सामने रखूं। 70 साल की गुलामी के बाद जो हमने बेबीलोन में काटे, आज खुदा ने एक रहम हमको बख्शा कि हम उस बेबीलोन से निकल के अपने मुल्क आ गए। खुदा ने एक बहाली का मैसेज हमें दिया, खुदा ने हमें हमारे देश में बहाल किया, वरना आज भी हम वहीं बाबुल की चक्की पीस रहे होते। लेकिन खुदा ने हम पर रहम किया और रहम करके खुदा ने हमें बुलाया। लेकिन हमारे लोग इस रहम की कीमत समझ नहीं रहे। ये जो मैसेज मिला और ये जो संदेश मिला बहाली का, वो दुआ में व्यक्त कर रहा है कि आपका कुछ रहम मिला और एक छोटी सी बेदारी हमने अपने बीच में महसूस करी जो आपने हमारे बीच में भेजी, लेकिन इस बेदारी की वक्त को हमारे कई लोग समझ ही नहीं रहे। यह है एज़रा की दुआ। आपने इतने दिनों के बाद हमें विजिट किया, मैं कहूंगा दिल्ली की कलीसिया आपको विजिट किया, अपने आंख के सतून की रोशनी यहां भेजी, उसने अपनी बेदारी जवानों में उंडेली, बुजुर्गों में उंडेली, भाइयों में उंडेली, बहनों में उंडेली। मैसेज का रूप बदला, मीटिंगें बदल गईं, तौर तरीके बदल गए, और इस तमाम बेदारी के बावजूद हमारे कुछ लोग हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आइए आज शाम मौका है कि अपने से हर एक के जीवन को जांचें, दूसरों को नहीं अपने आप को। इस बेदारी को प्राप्त करके मैंने क्या किया, इस बेदारी को अपने जीवन में लाके मैं आज कहां खड़ा हूं, मैंने उसकी कितनी वक्त समझी। यह है एज़रा की दुआ। एज़रा आराम तलबी पसंद आदमी नहीं। अभी मैं दिखाऊंगा कि यह कौन सा महीना था, दिसंबर का था, और उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी और ठंड के मारे लोग कांप रहे थे। ऐसे ठंडे मौसम में एज़रा बीच सड़क पे बारिश के बीच में पड़ा हुआ है, सुबह से शाम राख ओढ़े हुए। एज़रा भाई आपको सर्दी लग जाएगी, बोलते सर्दी लग जाएगी, उससे तो कहीं ज्यादा अंदर ज्वाला जल रही है इस वक्त, जिस ज्वाला ने सर्दी को ही खत्म कर दिया। कि हम आज खड़े कहां हैं अपने खुदा के सामने। आइए चलिए, खैर पढ़ूंगा उस आयत को बाद में। और तब एज़रा ने प्रेरणा प्राप्त खुदावन के सामने ये दुआएं रखी। हो सकता है आज शाम आपको लग रहा हो कि मैं ठीक हूं, उड़ क्यों नहीं गए। मैंने अभी एक दो दिन पहले मैसेज में पढ़ा, एक ही कारण है जिसने रैप्चर को रोका हुआ है, और वो है कलीसिया की तैयारी। लिख लीजिए, जो
2023 लग गया। खैर, जिन्हें जाना है वो तो जाएंगे ही जाएंगे। अपनी सोचो, क्या मैं जाऊंगा? एक तरफ रैप्चर को लेके, चीजों को लेके हम बहुत सजग हैं, दूसरी तरफ जब अपने अंदर के खानों में बैठ के देखें, तरह तरह की बकवास। आइए मैं इस बकवास को लाने से पहले कुछ रखूं आपके सामने। जरा मेरे साथ भाई मदद करें कि ये गुनाह क्या था। आइए पढ़िए मेरे साथ 11वीं आयत। भाई, जो तूने ये कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी, ये इज़रा की दुआ में ये सेंटेंस है, पढ़िए। जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, हाँ हाँ, वो तो देश देश के लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है। खुदावन न्याय नहीं। आज इस तथ्य को समझें, खुदा ने कहा मैं तुम्हें एक मुल्क दूंगा, कनान देश, जहां दूध और मधु की धारा बहती है। लेकिन याद रहे, जिस देश को खुदा ने उन्हें दिया, वहां ऑलरेडी 7 से ज्यादा जातियां रहती थीं। खुदावन जस्टिफाइड नहीं होगा कि एक मुल्क के लोगों को निकाले, उन्हें मरवाए, और एक दूसरा मुल्क जो कि मिस्र से निकल रहा है उन्हें वो देश दे दे। आपका न्याय कहां ठहरेगा? ऐसे ही आपने लोगों को उनके देश से खदेड़ दिया? नहीं। वहां अगर आप अब्राहम के समय की प्रतिज्ञा को पढ़ें, जो कि उत्पत्ति 15 में लिखी है, तो वहां यह लिखा है, अभी अमोरियों का गुनाह का प्याला पूरा भरा नहीं। कुछ गुनाह थे वहां अमोरियों के, उन कनानियों के कुछ गुनाह थे जिसको खुदा देख नहीं पा रहा था। उसी कनान देश में ब्रदर, जहां अब्राहम एक स्ट्रेंजर यानी अजनबी बन के रहा, वहीं का एक दो शहर थे, सदोम और अमोरा। क्या होता था वहां वो आपको मालूम है। थोड़ा सा आगे सुनिए। नहीं नहीं ब्रदर, मैं तो सदोम अमोरा से बहुत बाहर हूं, अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में आपके सामने आपकी तस्वीर, ध्यान से सुनिएगा। जिस देश को मैं तुम्हें दे रहा हूं वो एक अशुद्ध देश है, इंग्लिश में लिखा है, जो वहां के लोगों के नागरिकों के गुनाहों से भरा हुआ है। इसलिए यह कारण अपने लड़के और अपनी लड़कियां वहां मत देना। आइए पहले इस आत्मा को समझें। यहां मैं खाली शादी के विषय में ब्रदर आज शाम बात नहीं कर रहा, मैं एक आत्मा पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ। अपनी लड़कियां मत देना, उनके लड़के मत लेना, तो एक अलग बात है। बैकग्राउंड क्या है? उनके गुनाहों में सम्मिलित मत होना। आप हैं मेरे साथ? जरा एक मिनट लिस्ट देखें गुनाहों की, कि इन अमोरियों के कनानियों के गुनाह क्या थे। लेव्यवस्था उसका 20वां अध्याय, पहली आयत से भाई पढ़ें जरा हिंदी में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि इसराइलियों में से या इसराइलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो, जो अपनी कोई संतान मोलेक को बलिदान करे वो निश्चय मार डाला जाए और जनता उस पर पथराव करे। समय नहीं है तो मैं जंप करूंगा। पहला गुनाह, अपने बच्चों को बलि करके चढ़ाना, समझ मा रही है, दूसरे देवताओं के सामने, मोलेक के सामने, ये एक गुनाह था। खुदा ने कहा वो तुम्हारे बीच से काट डाला जाए। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 6वीं आयत। फिर जो प्राणी ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, यानी तो... कि अपने घर के पास किसी मजार में जाके झुके, समझ मा रही है, घर के पास किसी मस्जिद के पास खड़ा होके उन्हें आदर दे। चलो ठीक है, मस्जिद है, लेकिन ये भी इनका भी कोई पवित्र स्थान है, थोड़ा सा मैं इनको आदर दे दूं।
किसी गुरुद्वारे के सामने खड़े होके वहां पे आदर दे दे बैठे, ठीक है हम क्रिश्चियन हैं हमें उनके भी उनकी भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। सुन रहे हैं आप? फिर से पढ़िए छठी आयत। फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचार, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। टोना टोटको वालों से संगति करना, ओझाओं के साथ हाथ मिलाना, ऐसे लोग प्रजा से काट दिए जाएं, ये खुदावन का वचन है। सुन रहे हैं आप? उनकी मजारों के सामने झुकना, ध्यान से सुनिएगा, कहीं कहीं ये चीजें हिट मारती हैं। सातवीं आयत। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा यहोवा हूं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पवित्र बने रहो, यानी कि अलहदा हो ऐसे लोगों से, ऐसे कामों से। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब आइए जंप करें नवी आयत पे। कोई क्यों ना हो जो अपने पिता या माता को शाप दे, वो निश्चय मार डाला जाए। उसने जो अपने मां बाप को गालियां दे, श्राप दे, मां को श्राप दे, बाप को श्राप दे, वो प्रजा से काट डाला जाए। तो गालियां तो दे ही सकता है, श्राप ना दे, गालियां दे ले, है नहीं? मां बाप को बुरा भला कहे, क्या होगा ऐसी प्रजा का? सुन रहे हैं आप? ये मैं अभी आपको, अभी तो आप पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये सब था क्या। मां बाप को श्राप देना, समझ में आ रही है? और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब दसवीं आयत। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे जी, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो जी, तो वो व्यभिचारी और वो व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। सुना आपने? आगे थोड़ा सा ग्यारहवीं आयत पढ़ेंगे। यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ सोए, वो अपने पिता ही का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा। चलिए खैर, ये भी एक गुनाह है, और फिर ऐसे कई गुनाह हैं। मैं चाहूंगा अब आप लोग पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं। तेरहवीं आयत पढ़ें। यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे, तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे जी, इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएं। आगे अभी आपको कोई बड़ी दर्दनाक बात बताऊंगा। चौदहवीं आयत। यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे, तो ये महापाप है। सुना आपने? आइए पंद्रहवीं आयत। फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो, तो पुरुष और पशु दोनों। सोलहवीं आयत। यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर छोड़िए, अब आप समझ चुके हैं कि क्या बात हो रही है, और ऐसे करके आगे भी लिखी है। क्या आपको मालूम ये सारे काम आज जोक्स के रूप में, छोटी छोटी क्लिप्स के रूप में, वीडियोज के रूप में अब नेट पर हैं? YouTube पर हैं, गूगल पे हैं, जहां जो भी आप नेट की साइट्स उठा लें, चैट्स में हैं, थोड़ी भाषा मॉडिफाई करके बोलते हैं, लेकिन हैं ये ठेठ यही गुनाह। आप हैं मेरे साथ? थोड़ा सा मैं जंप करूंगा, समय निकलता जा रहा है। 23वीं आयत पढ़ें, क्योंकि है तो बहुत लंबी लिस्ट, घर जाके आप पढ़ सकते हैं। और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूं, उनकी रीति रस्म पर ना चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं, इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। ये जो लिस्ट मैंने तुम्हें बताई,
ये सारे काम उन जातियों के थे जिन्हें तुम्हारी आंखों के सामने मैं निकाल रहा हूं। इसलिए अपने बेटे बेटियों को ऐसे कामों में सम्मिलित मत होने देना। लेकिन क्या करें, शादी तो बड़ी दूर की बात रही, अब तो वो सारे काम, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े क्योंकि पॉइंट की बात रखनी है मैंने, ये घिनौने काम के कारण उन देशवासियों पे खुदा का श्राप पड़ा। अब वो कह रहे हैं अपने बेटे बेटियों को ऐसे श्रापित लोगों को मत देना। आइए एक आयत और पढ़ लें जो कि बड़ी आपकी जानी पहचानी आयत है, प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय, ताकि एक सिद्धांत को हम समझें। ये खुदा का कलाम है, प्रकाशित 18 और उसकी चौथी आयत। फिर मैंने फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। उसकी विपत्तियों में से, विपत्ति उनकी, श्राप उनका, भागीदार तुम, अव्वल दर्जे के बेवकूफ। आए मेरे लोगों, उनके साथ संगति मत करना। सब लोग आज कलीसिया में जानते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा ने आखिरी आधे घंटे दुल्हन के चुनाव के संदेश में लॉस एंजलिस और हॉलीवुड के विरोध नबूवत करी। खुदा के न्याय हॉलीवुड पर हैं, खुदा का श्राप हॉलीवुड पर है। जब खुदा का श्राप हॉलीवुड पर है तो हॉलीवुड से जितनी भी चीजें निकल के आज यूट्यूब पे या जहां पे भी आ रही हैं, ब्रदर आए कमकल, मैं कहूंगा समझ कि वो तमाम चीजें श्रापित हैं। वार्नर ब्रदर्स श्रापित है, कार्टून श्रापित हैं, जो जो हॉलीवुड बना रहा है और आज कहूंगा बॉलीवुड बना रहा है श्रापित है, जेम्स बॉन्ड श्रापित है, वो वीडियो क्लिप्स श्रापित हैं। और आप उनको देखें तो मालूम क्या होता है, आप उन श्रापों में भागीदार हो रहे हैं। यहां बैठ के दुआ करवाएं और दुआ करें खुदावन इन पर रहम करें, खुदावन ऊपर से मुस्कुरा के कहेंगे बेटा रहम तो मैं बहुत करना चाहता हूं, हर थोड़ी देर के बाद एक श्राप का नया डोज ले लेता है ये, मैं क्या करूं। खैर खुदा तो बहुत है कुछ करने में, लेकिन कुछ चीजें खुदा ने आपके लिए भी रखी। वापस एज़रा में आए, बहुत लंबी बात है लेकिन मैं चंद शब्दों में कह के बंद करने की कोशिश कर रहा हूं। 10वें अध्याय पे आइए, उस एक दुआ ने उन लोगों के बीच में हड़कंप मचा दिया। दुआ के बाद इज़राइल मुल्क जो निकल के आया था वैसा रहा नहीं, सबके बीच में एक हलचल मच गई। और तब लोगों ने आके इज़रा से कहा, यहां हम सर्दी में ठिठुर रहे हैं। और मैं एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, 10वां अध्याय जरा पहली आयत पढ़ें। जब इज़रा खुदा के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इज़राइल में से पुरुषों स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। तो वहां एक मीटिंग चालू हो गई। अब इज़रा ने पाया जब आंखें खोली, अरे चौराहे में बैठा तो मैं अकेला था, लेकिन ये सब कहां से आ गए। कुछ लोगों ने कहा इज़रा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ तुम्हारी दुआ में शामिल हैं आज, और हम एक्शन लेना चाहेंगे। दुआ के बाद अब हम कार्यान्वित होंगे। कार्यान्वित का मतलब पराई स्त्रियों को अपने बीच से दूर करो,
पढ़िएगा क्योंकि टाइम नहीं है। और जब उन्होंने कहा, उन्होंने कहा ब्रदर एज़रा ये काम एक दिन का तो है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी भीड़ इंक्लूडेड है, टाइम लगेगा, आप अपने उफास से उठें, हम इस काम को पूरा करेंगे। और तब उसके बाद कुछ लोग ठहराए गए इस काम को करने के लिए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि जब एज़रा ने यह काम इस दुआ के अंतर्गत अपने कलीसिया में सफाई शुरू करी, 16वीं आयत 10वें अध्याय की हिंदी में, परंतु बंधुआई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया। तब एज़रा याजक और पितरों के घराने के कितने मुख्य पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने सब नाम लिखाकर अलग किए गए और 10वें महीने के पहले दिन को इस बात की तहकीकात के लिए बैठे। और तहकीकात शुरू हुई 10वें महीने की पहली तारीख। इज़राइल का 10वां महीना हमारी जनवरी है, नए साल की शुरुआत यहां से हुई कि हम अपने परिवारों को, अपने आप को साफ करेंगे। मैं आपको वचन दिखा रहा हूं और वचन देखिए कैसे खुदा ने बात करी। आज पहली तारीख को जनवरी की तहकीकात देखें तो सही, कौन कौन सा परिवार इन्वॉल्व है इन तमाम कामों में, कौन कौन से बच्चे जवान इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, इन्हें साफ करें। सफाई हमारा मतलब किसी को मारना नहीं, गुनाह से सफाई है। 17वीं आयत पढ़िए। और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों की जांच पूरी कर ली जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया था। यानी पहली जनवरी से पहली अप्रैल तक, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना, क्योंकि पहली अप्रैल आ गई, 3 महीना केवल इस बात में कि अपने बीच से हम गुनाहों को निकालेंगे। सुन रहे हैं आप, बिल्कुल एक्चुअली राइट टाइम खुदा ने यह दुआ आज प्रकट करी। साल की शुरुआत हमारे लिए तो नया साल है, लेकिन उनका तो नया साल लगने वाला था, यानी नए साल में घुसने से पहले उन्होंने ये सारे काम खत्म कर दिए। हमारे लगा लीजिए जनवरी चालू हो चुकी, तो जनवरी के ही दूसरे हफ्ते में यह मैसेज आ गया। समझ मारी आपके, बाबुल की गुलामी से निकल चुके हो, डिनोमिनेशन से तो बाहर आ चुके हो, दुनिया से खुदा ने निकाला। आज दिमाग लगाओ, क्या बड़ा रहम था तुम्हारे घर में जिस दिन यह मैसेज तुम्हें मिला, जिस दिन कोई तुम्हारे घर में आया, तुम्हारे घर की तकदीर बदली, तुम्हारे घर में एक रोशनी की किरण आई और तुम बचे और तुम निकल के आए। हो सकता खुदा रहम ना करता, लेकिन खुदा ने रहम किया, अच्छे से अच्छा खाने को दिया, छत दी, कपड़े पहनने को दिए, खुदा का बहुत बड़ा रहम हुआ। लेकिन फिर भी कहीं ऐसा तो नहीं कि घरों में कुछ है। एक आयत पढ़ना चाहूंगा, मत्ती की इंजील 18वां अध्याय, ये प्रभु यीशु मसीह के वर्ड्स हैं, 8वीं और 9वीं आयत जोर से पढ़ दें। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। आगे, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। खुदा का धन्यवाद हो, इसका हमें मतलब समझना है कि मतलब क्या है। ऐसे तो सारी आंखें सबकी निकाल दी जाएंगी अगर हम अपने आप को देखें, तो इसका मतलब क्या है। आंख का मतलब दृष्टि, जो तू देखता है, अगर उस देखने में तुझे ठोकर लगती है तो उस दृष्टि को अपने सामने से हटा दे, यूट्यूब निकाल दे, डिसेबल कर दे। अगर तुझे
ट्विटर से ठोकर लगती है, ट्विटर का आउट कर दे, क्योंकि यहां अब मामला स्वर्ग में जाने का है। अगर ट्विटर मदद करे रैप्चर में तो मैं कहूंगा ट्विटर को रखो, यूट्यूब को रखो, लेकिन अगर यूट्यूब हाइल आ रही है रैप्चर में जाने में, समझ में आ रही है, यूट्यूब हटाओ। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? उन तमाम चीजों को अपनी दृष्टि से हटाओ। मैं कहूंगा ये दिल्ली की कलीसिया, ये जनवरी से मार्च, इससे पहले वो 3 दिन की सभाएं हों जिसमें हम अपनी कलीसिया का पर्व सा मनाते हैं एक छोटा, आए कलीसिया हर एक जन अपने आप को जांचे, एज़रा की दुआ में आज शामिल हों और आज अपने जीवनों को क्वेश्चन मार्क करके रखें, कितना तो मैं रेगुलर हूं सभाओं में, छोटी छोटी बातों के लिए मैं सभाओं को छोड़ सकता हूं, छोड़ सकती हूं, सोचिए कितनी इंपॉर्टेंस मैं देता हूं वचन को अपने घर में, संदेश को, और फिर मेरा समय, ये जो गुनाह मैंने आपको पढ़ाए कनानियों के सारे गुनाह जोक्स के रूप में, हंसी ठट्टा के रूप में आज नेट पर हैं, और आप उनको देखें और थोड़ी देर के लिए हंसें, आप शामिल हो गए, आप शामिल हो गए उन गुनाहों में। आज दोपहर में बाल कटवाने गया, समझ आ चुकी थी वो नाई एक बैठा हुआ कोने में, यही, अरे तुमने एक दूसरे आदमी से शादी की, तुम्हारी तो शादी हो चुकी, तो तर्राक औरत कहती है जब आदमी दो दो से कर सकता है तो औरतें दो दो से क्यों नहीं कर सकती, अब वही बैठ के हंस रहे हैं। मजाक के रूप में गुनाहों को YouTube के रास्ते, वीडियोस के रास्ते छोड़ा जा रहा है, वही गुनाह जिनके कारण कनानियों को मारा और अब इस दुनिया को बर्बाद करेंगे प्रभु, क्या उसमें अपना समय गुजारें? प्यारे भाई बहन, अब मेरे और आपके पास समय रहा नहीं, मैं जवानों से कहूंगा, लड़कियों से कहूंगा, अपने नेट से इन चीजों को बैन कर दीजिए। नेट खत्म नहीं कर सकते क्योंकि कई चीजें पढ़ाई लिखाई की हैं जो नेट से करनी पड़ती हैं, लेकिन इन चीजों को हटा दीजिए, इन संगतियों को अपने जीवन से खत्म कर दीजिए। यह मैं एडवांस में बोल रहा हूं क्योंकि अब रैप्चर आ रहा है और रैप्चर से पहले खुदावन एक वहां पर हमने पढ़ा नहीं, वहां लिखा है मैं ही तुम्हें पाक करने वाला हूं। आज अपने गुनाहों को स्मरण करके खाली थर्सडे को भैया प्लीज देखिए, मैं इन चीजों के लिए पुराना हो चुका हूं, यहां बहुत रोए, बहुत बढ़िया हुई आज थर्सडे की मीटिंग, मैं उस थर्सडे की मीटिंग को अच्छा जानूंगा, फ्रॉम दैट टाइम जब से तुम फिर पवित्र ही हो जाओ, फिर तुम बदलो नहीं, मतलब अब चाहे थर्सडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे जनवरी हो, चाहे मार्च हो, चाहे मई हो, चाहे जून हो, चाहे जुलाई हो, तुम बदल चुके, बात यह होगी। आपकी समझ आ रही है? आज आपके सामने मैंने एज़रा की दुआ पढ़ी जिसमें मैं बहुत प्रेरित हुआ, कौन यहां आज एज़रा बनना चाहेगा, कौन एज़रा के साथ अपना हाथ बटाएगा, अपने जाति भाइयों के गुनाहों को स्मरण करके खुदावन से माफी मांगने के लिए, हे प्रभु हमें माफ कर, हमारे बच्चे ठीक नहीं, हमारे हस्बैंड्स, हमारी स्त्रियां ठीक नहीं, जैसे भी सिचुएशंस हों, अपने को ही जांचें। मैं ऐसे कई बार जोक्स देख लेता हूं, मैं कई बार ऐसी बकवासें देख लेता हूं नेट पे जो मुझे देखना नहीं चाहिए, उस टाइम मुझे बाइबल पढ़ना था, मैसेज सुनना था, वो नहीं सुना, लेकिन ये मैं इन चीज़ों में पड़ गया। प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरे इन गुनाहों से मुझे छुड़ाएं। क्या ये आप एज़रा की जलन में होते हुए आज कहना चाहेंगे, गॉड रियली ब्लेस यू? बड़े प्यारे लोग हैं। आज मैं कहूंगा भाई टाइटस से, क्योंकि 8:05 हैं, आप 8:45 तक ब्रदर दुआ करें, आप दुआ 8:45 ले लें, मुझे आप 9:10 पे ही दे दें, लेकिन मैं लोगों को मौका दूंगा कि आप अपनी दुआएं करें।
खुदावन के सामने अपने आप को उंडेलें और अपने आप को सही करें, एक अजीब किस्म का रहम आपके घरों में फ्लो करना शुरू करेगा जो आपने पहले नहीं देखा। और सबसे पहले यही मांगे अपने मन में या जोर से, खुदावन हमारे घर में जो भी ऐसा है कोई, उसको खुदा ना बदल दें, आप चेंज करें, ये आदत उससे छुड़वाएं। आप बिचवाई बनेंगे तो किसी का फायदा होगा। आपके लिए है कि आप बिचवाई बने आज, आज एज़रा आप बने। खुदावन को चाहिए था एक मार मार के कहता चलो वापस बेबीलोन, एज़रा की दुआ ने बेबीलोन रुकवा दिया, वो वापस फिर गुलामी में नहीं गए। खुदा का रहम बना रहा कि कुछ ऐसे खास लोग हुए जिन्होंने ऐसी कुछ खास दुआएं करी। खुदावन का नाम मुबारक हो। ब्रदर टाइटस, हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने भाई को इस्तेमाल किया जिसके द्वारा से हमारे अंदर जो भी कमियां घटियां हैं, जो भी अधर्म के काम यदि हैं किसी के अंदर से, तो वो निकाले जाएं। खास तौर से मोबाइल, मोबाइल एक मेन जड़ है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए, जो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा देख लेते हैं जब उसको स्क्रॉल करते हैं। तो प्रभु हमें इन चीज़ों से बचाए, हमारे एग्जामिन करने का हम में से हर एक को प्रभु मौका दे। सबकी अलग अलग कमियां हो सकती हैं, सबकी अलग अलग घटियां हो सकती हैं, सबकी अलग अलग बातें हो सकती हैं जो हमारा रैप्चर रोके, इसे आज निकालना है। जैसे भैया ने बताया कि जनवरी का महीना है और उन्होंने इज़रा के समय में लोगों ने अपने आप को पवित्र किया, सारी कमियों घटियों को दूर किया और जो ऑब्स्ट्रक्शन थे उनको निकाल करके बाहर किया, काट के फेंक दिया, जो कुछ भी कमियां घटियां थी आज प्रभु ने भाई के ज़रिए से, इज़रा के ज़रिए से, भाई में से होते हुए भाई ने इस इज़रा को इस्तेमाल किया कि हमारे गलतियों को, हमारी कमियों को आज बताए और रिपेंटेंस का मौका दे और प्रभु के सामने अपने हृदय को पवित्र करें और रैप्चर में जाने के लिए हम तैयार हो सके। प्रभु भाई को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। हम लोग छोटी छोटी प्रार्थनाएं करेंगे, इससे पहले हम आगे बढ़े, कोई भी एक भाई प्रार्थना करे और प्रभु का धन्यवाद करे इस इज़रा के लिए जो प्रभु ने हमारे बीच में रखा है। प्रभु ने भाई को जीवन दान दिया 29 साल पहले और भाई को अपने रेवलेशन से भर रहा है और हमें रैप्चर के लिए तैयारी बख्श रहा है भाई की सेवकाई के द्वारा। प्रभु भाई को बड़ी बरकत दे और बड़ी आशीष दे, कोई भी एक भाई। आपका बहुत बहुत नाम मुबारक हो प्रभु कि आपने मेरे पास्टर भाई को जीवन दान दिया। खुदावन, शैतान बहुत साल पहले प्रभु चाह रहा था भैया को हमारे बीच में से ले जाना प्रभु, लेकिन आपने खुदावन एक प्लान अपने दिमाग में बना के रखा हुआ था। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। एक योजना आपने इस कलीसिया के लिए रखी हुई थी प्रभु, वो आज तक चल रही है और आगे भी रहेगी खुदावन, जब तक से उड़ नहीं जाते। आपने इस गिफ्ट को हमारे बीच में बना के रखा, yes, Lord, yes, Lord. जीवन दान दिया। प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हाथ उठा के धन्यवाद देता हूँ प्रभु। yes, Lord. आपने वाक्य में हमें गॉड फेयरिंग पास्टर दिया प्रभु, yes, Lord. वो आपकी ओर से ऑडियंट है प्रभु। yes, मैं आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सब तमाम बातों में आपके नाम को महिमा मिले खुदा, yes, आपका yes, नाम जलाल पाए खुदावन यीशु मसीह। खुदावन मैं आज एज़रा बनना चाहता हूँ प्रभु, आपने आज बहुत अद्भुत रीति से बातचीत की। यस लॉर्ड, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु गुजरे दिनों की ब्लेसिंग के लिए प्रभु। कैसे खुदावन आप मेरे को गुजरे दिनों में फ्लशिंग प्रॉफिट के मैसेज में लेके गए खुदावन। यस लॉर्ड, आपने खुदावन उस मैसेज को पढ़ना ही नहीं वरन उसको रुक रुक के खाना सिखाया खुदावन। यस लॉर्ड, आपने कहा तू खड़ा हो ओ लॉर्ड। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ये तो ना चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की लोग, दया करने वाले खुदा बाप आपके ऊपर है प्रभु। ओ खुदावन आपने कहा कोई खड़ा हो या ना हो तू अपने बहन भाइयों के लिए प्रार्थना कर, तू बिचवाई बन, whom should we ask, yes, how to Lord. be approached, yes, Lord. how to be identified with their needs, how to be a perseverance, ओ लॉर्ड मैं आपका बहुत yes, Lord. yes, Lord. कैसे आपने दोनों हाथों को बीच में रख के दिखाया के कलीसिया के बीच में और तेरे को कैसे खड़ा होना फैमिली के yes, Lord. ओ खुदावन मैं आपसे विनती करता हूँ अपने बच्चों के लिए खुदावन, इस कलीसिया के जवान बच्चों के लिए प्रभु, yes, जो डूबे में है खुदावन इस इंटरनेट में खुदावन, आप रहम करें खुदावन। yes, मेरे बच्चे हैं खुदावन, इसलिए मेरी आपसे विनती है, मैं यहाँ पर आके कोई हिपोक्रेसी का गेम खेलने नहीं आया प्रभु, यहाँ पर आके खुदावन यही कहने के लिए नहीं आया कि व्हाट अ मैसेज, व्हाट अ फास्टिंग एंड प्रेयर, लेकिन जैसे भैया कह रहे थे सच है
कि वो दिन जिस दिन हमारे जीवन से ये सब चीजें काट डाली जाएं और वापस लौट के ही ना आए प्रभु, मैं उसमें बना रहना चाहता हूँ खुदावन। मेरे बच्चे और मेरे भाई बहनों के बच्चे फैमिली उसी अनॉइंटिंग में, उसी खुदावन अनॉइंटिंग में बने रह सके खुदावन, जब तक रैप्चर ना हो खुदावन। आमीन। हम यहाँ से वो कर्ज लेके नहीं जाना चाहते, हम अपने आप को धर्मी जीते रहते प्रभु। यस लॉर्ड, हम आपके सामने है खुदावन, आपने जैसे हमसे बातचीत करी आपका धन्यवाद हो प्रभु। आमीन। आपसे मेरी विनती है दो प्रभु, यहाँ पर तो टाइम की लिमिटेशन है, लेकिन जब हम खाना खा के खिचड़ी खा के ऐसे जाए लॉर्ड, ये मैसेज हमें मुझे छोड़े ना खुदावन। लॉर्ड, इस मैसेज को मैं छोड़ना नहीं चाहता खुदावन, इस मीटिंग को मैं छोड़ना नहीं चाहता जब तक रैप्चर ना हो जाए खुदावन। आमीन। अब देख देख के खुदावन उन चीजों को सोच सोच के उन गुनाहों को अपने जीवन से हम काट सके खुदावन, आप ऐसी दया करें प्रभु। मेरे पास्टर भाई को बहुत ब्लेस करें प्रभु, अपनी आत्मा से और अधिकाई से भरे खुदावन। इस विनती को प्रार्थना को आपके चरणों में रखता हूँ, मेरे उद्धार करता प्यार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। मेहरबानी से ये विनती प्रार्थना सुनिए और कबूल करिए। मेरे पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट, मैं प्रार्थना करूँ। हाँ आमीन कह के आप लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं भी आपके पास आता हूँ प्रभु जी, सच्चा प्रभु जी। जैसे भाई ने बताया प्रभु जी, हमारे अंदर बहुत कमियाँ हैं, बहुत घटियाँ हैं प्रभु जी। हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी, हमारे अपने गलतियों का इकरार करते हैं प्रभु जी। वो खुदा बाप हमें आप शुद्ध करें, हमें आप पवित्र करें वचन के द्वारा प्रभु जी, और जांचने का मौका दीजिए, ना केवल यहाँ पर प्रभु जी बल्कि अपने घरों में भी प्रभु जी, हम अपने आप को जांच सके प्रभु जी। और जो खमीर पाया जाता है प्रभु जी, जो गलतियाँ पाई जाती है, जो पाप पाया जाता है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हम उसे दूर करें। आपकी मदद मांगते हैं प्रभु जी, आप हमें पवित्र करें प्रभु जी, सारी कमियों घटियों को हमारे अंदर से, हमारे घराने में से, हमारे हस्बैंड्स में से, हमारी वाइफ में से, हमारे बच्चों में से, हर एक में से प्रभु जी निकालें प्रभु जी, और पूरे के पूरे घराने को प्रभु जी शुद्ध करें, पवित्र करें प्रभु जी, कि हम रेडी हो सके रैप्चर में जाने के लिए प्रभु जी। आपके सन्मुख कुछ रिक्वेस्ट लाते हैं, हमें पवित्र करें प्रभु जी, और सारे गुनाहों को आप क्षमा करें, कि हमारी प्रार्थनाओं में हिंड्रेंस ना हो सके प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा सके प्रभु जी। आपके सन्मुख उठाते हैं प्रभु जी भाई रुमाल याकूब को प्रभु जी, जिनका हार्ट सर्जरी हुई, उन्हें कोल्ड कॉफ कंजेशन है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से भाई को छुएं प्रभु जी। सिस्टर सत्यों को छुएं प्रभु जी, जो बॉडी पेन है वो खुदा बाप सारे दर्द को दूर करें प्रभु जी। भाई मनोज की बहन को खुदा एक्सट्रीम पेन है नेक में, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सक रही हैं प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी। ओ खुदा आप उनकी वाइफ को प्रभु जी, बॉडी पेन है, वीकनेस है, बहन को भी आप शिफा दीजिए प्रभु जी। भाई सोहन लाल को आपके सन्मुख उठाते हैं, ओ खुदा आप भाई ने रिक्वेस्ट करा है, उन्हें ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु जी आजकल, और जब कॉफ आती है तो उसमें ब्लड भी थोड़ा निकलता है प्रभु जी, हम नहीं जानते क्या रीज़न है प्रभु जी। आप भाई को छुएं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए प्रभु जी। भाई इज़राइल मसीह के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, जिन्हें लूज मोशन है प्रभु जी, और उनके बच्चे डैनियल एंड जोशुआ जिन्हें कॉफ एंड कोल्ड है प्रभु जी, आप इनके बच्चों को भी छुएं प्रभु जी। आपके सामने भाई सुनील सहादरा के हैं, उनको लेकर के आते हैं प्रभु जी, स्टमक पेन है, यीशु मसीह के नाम से स्टमक पेन को दूर करिए, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। भाई अरुण पॉल की डॉटर पर आराधना के लिए, जिसे कॉफ और बहुत भयंकर कोल्ड है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से इस बच्ची को शिफा दीजिए प्रभु जी। आप हमारे चंगा करने वाले हमारे खुदा हैं प्रभु जी। भाई अशोक जो हापुर के हैं प्रभु जी, दिल्ली के बॉर्डर पर उनका एक प्लॉट है, बेचना चाहते हैं, आप मदद करें, आप रास्ता निकालें प्रभु जी, कि भाई का प्लॉट बिक सके और सही कीमत उन्हें मिल सके प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। एक बहन है निशी अखौरी करके प्रभु जी, बोकारो में है वो प्रभु जी, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु जी, वो मैसेजेस को सुनती हैं प्रभु जी, और आपके ऊपर विश्वास किया इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट को भेजी है प्रभु जी। उनकी डॉटर की प्रभु जी वाइट कोट सेरेमनी है, आप मदद करें उनके विश्वास के अनुसार प्रभु जी, जो उन्होंने मांगा है प्रभु जी, आप उसे पूरा करिए, कि आगे चल के ये आपके साथ साथ लगले पड़ के और चलने वाली हो सकें प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं इनोस के लिए, जिसे चेस्ट कंजेशन है प्रभु जी, कोल्ड है, कॉफ है, इस बच्चे को चंगाई दीजिए। भाई अनिल बॉबन को आपके सामने उठाते हैं प्रभु जी। भाई का कल राइट लंग का सर्जरी है प्रभु जी, रंग रिमूवल सर्जरी है प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी। वो खुदा बाप डॉक्टर वहाँ पर हों तो प्रभु जी, लेकिन आप वहाँ पर उपस्थित हों प्रभु जी, डॉक्टरों के हाथ आप बन जाएं प्रभु जी, और इस सर्जरी को आप सक्सेसफुल करिए, भाई को पूरी शिफा दीजिए प्रभु जी। वो खुदा उठा के खड़ा करें प्रभु जी, और अपने भवन में रिस्टोर करें प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, भाई राजन के बेटे जोशुआ के लिए, जिसे कॉफ है प्रभु जी, उसे बच्चे को ठीक करिए प्रभु जी।
और भाई राजन की बहन पूनम को, उसे भी कॉफ कोल्ड है प्रभु जी, उन्हें भी शिफा दीजिए प्रभु जी। एंजल स्टीफन जो दार्जिलिंग के हैं प्रभु जी, जिनका कल आई ऑपरेशन दिल्ली में है प्रभु जी, भाई ने रिक्वेस्ट मांग करी है प्रभु जी, आप ऑपरेशन को सक्सेसफुल करें, उनकी साइट को दुरुस्त करें, ठीक करें प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों के लिए प्रभु जी। ओ खुदाबाप भाई बोआज लाल के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ खुदाबाप बच्चे का एग्ज़ाम मंडे से शुरू होने वाला है प्रभु जी, ये यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है प्रभु जी, फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम है प्रभु जी। ओ खुदाबाप आप हमारे बच्चों को कभी टेल नहीं रखते हैं प्रभु जी, आपने कहा है आपके वचन को जो आपकी आज्ञाओं को मानते हैं आपके पीछे पीछे चलते हैं, बच्चा आपके पीछे चलता है, आपकी आज्ञाओं को पालन करते हैं प्रभु जी। ओ खुदाबाप इन्हें हमेशा हेड रखें प्रभु जी, मदद करें एग्ज़ाम के अंदर प्रभु जी की जो कुछ भी ये पढ़ें प्रभु जी आप परफेक्ट कंट्रोल में है प्रभु जी, वही चीज एग्जाम में आने पाए प्रभु जी, और ये बहुत अच्छे नंबरों से प्रभु जी सफलता प्राप्त करें कि आपका नाम कॉलेज में ऊंचा हो सके प्रभु जी भाई के द्वारा प्रभु जी। तिमोथी लाल के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, उनके भी प्रैक्टिकल और थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी प्रभु जी, आप मदद करें, बच्चे के भी साथ हो, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए दोनों को प्रभु जी, और अच्छी सफलता दीजिए आगे चल के प्रभु जी। जब तिमोथी अपने प्रोफेशनल कोर्स लेते हैं आप मदद करें प्रभु, आप ही सहायता करें प्रभु जी। ओ खुदा आप ही बुद्धि और ज्ञान के देने वाले हैं, जो कुछ भी पढ़ें प्रभु जी आप उस डायरेक्शन में लेकर के जाएं, आप इन्हें लीड करें, गाइड करें कि क्या पढ़ना है प्रभु जी, और वही वो जो पढ़ें वही एग्ज़ाम में आने पाए, आप दया करें। वो खुदा आपसे प्रार्थना करते हैं भाई निश्चल के लिए प्रभु जी, जिन्हें कोल्ड है, सोर थ्रोट है प्रभु जी, आप भाई को छुएं प्रभु जी, इनके गले को छुएं प्रभु जी, सारी कमियों घटियों को यीशु मसीह के नाम से आप दूर करें प्रभु जी, और भाई को पूरी शिफा दीजिए कि अपने पोस्ट और ड्यूटी पे खड़े रह के प्रभु जी आपकी महिमा करें, आपकी तारीफ करें, आपकी स्तुति कर सकें प्रभु जी। वो खुदा आपसे प्रार्थना करें सिस्टर जॉर्जीना और उनकी डॉटर प्रभु जी इंग्लैंड में है प्रभु जी, जिन्हें कोविड पॉजिटिव जो डिक्लेयर किए गए हैं प्रभु जी, आप मदद करें, आपके सामने कोविड खड़ा नहीं रह सकता प्रभु जी, आप इन दोनों को शिफा दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और आप उसका जवाब भी देते हैं, आपका बहुत धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। करीब करीब हमारे पास 40 मिनट का समय होगा, भाइयों के लिए बहनों के लिए मौका होगा, 3 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा मेहरबानी से प्रार्थना ना करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रार्थना करने का मौका मिल सके, और केवल यहीं प्रार्थना नहीं अपने घरों में भी रिपेंट करिए, जिससे कि आप पवित्र हो सके, शुद्ध हो सके और प्रभु के सामने शुद्ध खड़े होने लायक हो सकें। तो भाइयों के लिए मौका है, यस लॉर्ड, अपने तमाम गुनाह अपराधों के लिए प्रभु जी, यस लॉर्ड, जो आपने पुलपिट पर आए, यस लॉर्ड, बताए यस लॉर्ड, यस लॉर्ड प्रभु जी, हाँ ये सच बात है खुदावर, यस लॉर्ड, मैं और मेरा परिवार खुदावर, यस लॉर्ड प्रभु जी, हम इन तमाम बातों में फंसे हुए खड़े हैं खुदावर, यस लॉर्ड, मैं इस बात के लिए प्रभु जी आपसे बहुत क्षमा चाहता हूँ खुदावर, प्रभु ये सच बात है, इन तमाम बातों ने हमारे रैप्चर को रोक रखा, सच है प्रभु, सच है प्रभु, प्रभु जी यहाँ से जाना नहीं हो पा रहा है खुदावन, मेरे भाई बहन यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि ये असाध्य रोग हमारे अंदर लग रहा है प्रभु जी। आज शाम को जबकि आप आए खुदावन और कह रहे हैं कि ऐ मेरे लोगों इन तमाम गंध में से निकल आओ, तमाम व्हाट्सएप में से निकल आओ, तमाम मोबाइल की एक्टिविटीज में जो गंध है इसमें से निकल आओ, आप हम पर दया करें, और आपने दया करी है प्रभु जी, आप आए और आपने सीधे सीधे हमसे बातचीत की प्रभु जी, भाई को भाई आशीष का बड़ी आशीष दे, उसकी सेविकाई को प्रभु जी आप अधिकाई से इस्तेमाल करें, खुदावन जो हमें करेक्ट करते चले जाते हैं ताकि हम आपके पास जा सके, आपसे मुलाकात कर सके, अब इस बात के लिए आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने वास्तव में प्रभु जी आज से 31 साल पहले भाई को जीवन दान दिया खुदावन, और एक ऐसी जगह पर खड़ा किया जहाँ से प्रभु जी वो आपके बच्चों को लेकर के चल रहे हैं, और कहीं अंधकार में नहीं मगर ज्योति में, क्योंकि आप ज्योति हैं, वो वहाँ लेकर जा रहे हैं, आप उनकी सेवकाएं पे, उनके परिवार पर,
उनके काम पर आपकी बड़ी हाजिरी है। यस लॉर्ड, इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन। जीवन के वाणी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, आपके बड़े शुक्र गुजार है खुदावन। आप बहुत रहम दिल बाप है प्रभु, और आप हमसे बेहद प्यार करते हैं खुदावन। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु की ये कोई इंसान नहीं था प्रभु, लेकिन ये आप थे खुदावन जो पुलपिट पर आए प्रभु और हमसे बातचीत कर रहे हैं प्रभु। ये आपका प्रेम ही था खुदावन, ये आपका ग्रेस था प्रभु हमें उलाना देना प्रभु, क्योंकि आपने कहा है खुदावन जितनों से मैं प्रीति रखता हूँ उनको उलाना और ताड़ना देना। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमसे प्रभु इन बातों को खुदावन हमारे सामने रखा प्रभु, ताकि हम अपने आप को शुद्ध कर सके खुदावन। सच बात है प्रभु, हम भी बहुत सारी चीजों में खुदावन इनमें बजे रहते हैं प्रभु। ओ खुदावन यीशु मसीह, इंटरनेट और इंटरनेट की चीजों में प्रभु आप क्षमा करें खुदावन, और फजल में प्रभु कि हम अपने फोकस को इस मैसेज से ना हटाएं प्रभु। ओ खुदावन, एक परिवार का मुख्य होने के नाते प्रभु अपने परिवार को आपकी ओर अग्रसर कर सके प्रभु, इस संदेश में अग्रसर कर सके खुदावन, क्योंकि सच बात है प्रभु जैसे बाइबल में लिखा है कि समय को बहुमूल्य जानो। ओ खुदावन, हम अपने समय को किसी और फालतू चीज में वेस्ट नहीं करना चाहते प्रभु, लेकिन अपने मन को अधिकाई से आपके वचन में लगाना चाहते हैं। आपने हमें प्रिय कहा खुदावन, आपने मुझे अपनी चॉइस बताया प्रभु, लेकिन खुदावन मैं आपकी चॉइस होने के नाते प्रभु मैं किसी और की चॉइस नहीं हो सकता प्रभु, मेरी आंखें केवल आपकी ओर लगी रहे तमाम संसारिक चीजों में प्रभु से मेरी आंखें हट जाए खुदावन। जैसे हम पढ़ रहे थे अगर तेरी आंख तुझे परेशान करे उसको निकाल दे, अगर तेरे हाथ से गलत काम हो रहा है तो वो उसको निकाल दे। ओ खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने आप को प्रभु इन तमाम संसारिक हॉलीवुड और तमाम इन संसारिक यूट्यूब ट्विटर व्हाट्सएप से प्रभु अपने आप को खींच सके प्रभु, और अपने मन को केवल आपकी ओर केंद्रित कर सके प्रभु। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, और अपने जवानों के लिए तमाम मजाकों से निकल पाए प्रभु, ये भी हद का चिन्ह है खुदावन। रैप्चर से पहले हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे प्रभु, कैसे हमने देखा प्रभु पिछले साल एक हंसी ठट्टा करने वाले यहाँ से चला गया प्रभु। ओ खुदावन यीशु मसीह, जो टीवी में बहुत मशहूर जाना जाता था प्रभु वो चला गया प्रभु। ओ खुदावन मेरे मन को कायल करे प्रभु, हमारे मन को कायल करे प्रभु, ताकि अपने आप को प्रभु इस वचन के लिए अधिकाई से प्रभु दे सके। उठते बैठते चलते फिरते वचन को कान में लगाए रखते हैं, आप मदद करें प्रभु, हमारे अधर्म को आप क्षमा करें, हमारे गलती अपराधों को आप क्षमा करें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है खुदावन, और केवल प्रभु यीशु मसीह हम यहाँ से बोल के ना चले जाएं प्रभु, लेकिन हमारे कामों में ये जाहिर होने पाए। मदद रहनुमाई करें, मैं अपने लिए और अपने भाई और अपने जाति भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप मदद करें प्रभु। भाई आशीष को पासों को बड़ी बरकत दे, जिनको आपने ये बात दिखाई प्रभु यीशु मसीह, ताकि खुदावन अब समय आ गया प्रभु, ताकि अब समय को गनीमत जाने खुदावन, क्योंकि मुझे मालूम है प्रभु अब ये समय आ चुका है प्रभु, ताकि आपकी दुल्हन यहाँ से रैप्चर में जाए, लेकिन ठीक रैप्चर से पहले खुदावन, जैसे नबी भी कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके उन लड़कियों को खुदावन जो बिलीवर्स किए, गेट बैक इन लाइन, गेट बैक इन लाइन खुदावन, वही आत्मा जो ऐसा की थी हमारे अंदर प्रदान करे प्रभु। आपके नाम की तारीफ हो, मुझे संपूर्ण चंगाई दे, मेरे गले को आप संपूर्ण चंगाई दे, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जबकि आपने मुझ पर भी रहे प्रभु यीशु मसीह, खुदावन मैं आपके भवन आने पाया खुदावन, आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, ये बातें जो प्रभु आपने फुलफिट से बोली है खुदावन, ये कोई इंसान नहीं बोल सकता, ये आप है खुदावन, क्योंकि प्रभु आप उनसे बेनताल मोहब्बत रखते हैं, और हम नहीं चाहते प्रभु किसी भी रीति से कि प्रभु हम बर्बाद हो संसार के साथ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने हमारी आज सुधी ली है प्रभु। ओ लॉर्ड, मैं अपने परिवार को, अपने जाति भाई बहनों को प्रभु आपके लहू के नीचे लाता हूँ खुदावन, और आपसे विनती और प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु, अब तक जो भी पिता हमने आपके विरोध में प्रभु, आपके विरोध में, आपके पवित्र आत्मा के विरोध में प्रभु, हमने बहुत ज्यादा समय को बर्बाद किया भगवान, जो बुरी चीजों में प्रभु हमें क्षमा करें, हमें अपने प्रभु करें प्रभु, हम ऐसा के साथ खड़े रहे प्रभु, बने रहे प्रभु, हमारी सहायता करें,
हमें प्राप्त करके अच्छी बनते प्रभु। हम संसार और संसार के साथ अपना समय बर्बाद ना करें प्रभु, बल्कि हम आज के समय के संदेश के साथ बने रहे प्रभु। प्लीज मदद करें खुदावन, क्योंकि लॉर्ड अब समय है प्रभु यीशु मसीह, हम प्रकाश की तरह 8 से 11 बन जाए प्रभु। yes, Lord, यदि हम पुस्तक में बने रहे तो हमारे पास कहां समय बचेगा कि हम इस परवासी में बचे। yes, Lord. ओ, हमें क्षमा करें प्रभु, हमें समय की चोरी किए प्रभु आप पर। yes, मैं अपने आप को अपने परिवार को प्रभु आपके लहू के नीचे लाता भाइयों के लिए खासतौर से प्रभु, हे पिता मदद करें प्रभु जी के पास नया जन्म नहीं है प्रभु, आपने नया जन्म दे। yes, Lord. ओ प्रभु जी के पास नया जन्म आपने रीफिलिंग के प्रभु, अब यहाँ पर हम रहना नहीं चाहते। धन्यवाद प्रभु, अपने आशीर्वाद को आपके हाथ में सौंपता हूँ, भाई को बहुत ब्लेस करें, भाई को बड़ी बरकत और बदल रहे इन बातों में हम बने रहे। यीशु मसीह के नाम मानता हूँ। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन, जो आप मुझे आपके भवन लेके आए खुदावन, आपका नाम मुबारक हो खुदावन, क्योंकि आपने प्रभु जी और बाइबल से दिखाया खुदावन यीशु मसीह, खुदावन ये चीज़ें प्रभु जी हो रही हैं खुदावन यीशु मसीह, खुदावन सहायता मदद बख्शे खुदावन, ताकि प्रभु जी मुझे ऐसा जैसा विश्वास दे खुदावन यीशु मसीह, ताकि प्रभु जी मैं आपके समक्ष रहूँ खुदावन, बना रहूँ खुदावन यीशु मसीह। ऐसे प्रभु जी आज की जो मीटिंग जो खुदावन यीशु मसीह, इसमें कुछ हिस्से खुदावन आपने प्रभु यीशु मसीह 1 जनवरी को भी लिए खुदावन, सच है खुदावन यीशु मसीह, हमने आपकी प्रभु जी समय की चोरी करी है खुदावन यीशु मसीह, तमाम जो समय प्रभु जी के मैसेज में लगाना चाहिए था खुदावन, वो प्रभु जी हमने फेसबुक यूट्यूब पर खुदावन यीशु मसीह फोन पर लगा दिया खुदावन यीशु मसीह, वो खुदावन ये तमाम चीज़ें सच में खुदावन यीशु मसीह बॉलीवुड की है खुदावन यीशु मसीह। yes, ओ खुदावन आप प्रभु जी मुझे बचाए खुदावन जी। yes, खुदावन और प्रभु जी दुआओं में जाने का खुदावन यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी भाई पास्टर भाई आशीष के लिए खुदावन यीशु मसीह, जो आपने भाई को दिखाया खुदावन, सच में ये चीजें प्रभु जी घट रही है खुदावन यीशु मसीह, कल सौ पर भी प्रभु जी आपने मुझे दिखाया प्रभु जी आपने बिल्कुल सही खुदावन आज ही खुदावन यीशु मसीह, ओ खुदावन मां पर दिल से प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ खुदावन यीशु मसीह, ये प्रभु जी आज की मीटिंग में प्रभु जी मुझे आपने प्रभु जी मुझको आज रखा खुदावन। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, से बात करी खुदावन यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन यीशु मसीह, ओ प्रभु जी मुझे प्रभु जी आपके समक्ष रखिए खुदावन, मेरे गलती अपराधों को प्रभु जी आप क्षमा करें खुदावन, यस लॉर्ड, तो पिछले दिनों में हुई खुदावन यीशु मसीह, पिछले साल में हुआ खुदावन यीशु मसीह, प्रभु जी इस साल में ना हो खुदावन यीशु मसीह, इस साल में प्रभु जी आपकी संगति प्रभु जी 24 घंटे प्रभु जी मैं बना रहूं खुदावन यीशु मसीह, ओ प्रभु जी मैं अपने पूरे परिवार को भी प्रभु यीशु मसीह आपके समक्ष रखता हूं खुदावन, लहू के तले रखे खुदावन, बचा के रखे खुदावन यीशु मसीह, सहायता मदद बख्शे प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में मांगता हूं, सुनो आमेन आमेन। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी कि आपने मुझे भी फजल दिया प्रभु कि आपके भवन आ सका प्रभु। yes, Lord. और प्रभु आज फिर मैं करेक्ट हुआ हूँ लॉर्ड, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप गॉड करेक्शन के गॉड हैं खुदावन, आपने हम सब भाइयों बहनों के सामने एक बात रखी प्रभु। yes, और धन्यवाद रखता हूँ प्रभु इस बात के लिए प्रभु कि आपने हमारे बीच में एक एजरा रखा प्रभु, जो अपनी दाढ़ी को नोचता है प्रभु, सर को खींचता है प्रभु जी, और आकर पुलपिट में एक बड़े रोष के साथ ये बात किया प्रभु, लेकिन उस लव छुपा हुआ है प्रभु जी, एक प्यार छुपा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि इधर से अगर हमें जाना है, अगर रैप्चर की बातें हो रही है, फ्यूचर होम की बातें हो रही है, तो उससे पहले करेक्ट भी होना है, वो जानता है इस तरह से हमें बहुत कुछ ऐसा चल रहा है प्रभु जो सही नहीं है खुदावन, क्योंकि एक स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट उनके पास है प्रभु जी, मैं भी मांगता हूँ प्रभु, दया मांगता हूँ प्रभु कि मैं भी इन बातों में लिख पाया जाता हूँ प्रभु, और मैं जानता हूँ मेरा परिवार भी इन बातों में लिख पाया जाता है प्रभु, प्रभु हम पर दया कर, हम पर बड़ा अनुग्रह कर खुदावन, हम पर करुणा कर खुदावन कि हम इसमें से निकले खुदावन, क्योंकि ये मैं अपनी ताकत अपनी मर्जी से नहीं कर सकता प्रभु जी, लेकिन आप बहुत अनुग्रहकारी खुदावन है प्रभु, आपने कहा मैं ही तुम्हें पवित्र कर सकता हूँ प्रभु, आप अपने लहू से धोकर हमें पवित्र कर प्रभु जी, मेरे बच्चों को मेरी पत्नी को
प्रभु जी आप अपने लहू में बांध कर हर बुराई से उन्हें बचा के रखें। yes, Lord. आप ही दया करने वाले खुदावंद हैं, तभी आप ये महान संदेश हमारे सामने लेकर आए प्रभु। yes, ताकि हम बच सके प्रभु, उस बेबीलोन से हम निकल तो आए प्रभु, लेकिन उसके गुनाह में आज भी लिप्त है प्रभु जी। आप दया करें खुदा। yes, कि हम उन गुनाहों से पीछा छुड़ा सके। yes, और हम सब एक अकॉर्ड में आकर yes, प्रभु इधर से जाने की तैयारी करें खुदा। yes, फ्यूचर होम के बड़े प्यारे प्यारे संदेश आ रहे हैं प्रभु। yes, तैयारियां हो रही है खुदावन, लेकिन उसके बीच में ये ताड़ना इसलिए आई है खुदावन खुदावन ताकि हम सब एक अकॉर्ड में आ सके। आप भी रहम करें इस पूरे परिवार के ऊपर, ये जो हमारी कलीसिया है खुदावन, ताकि हम सब एक मन एक चित होकर इस बात को समझते हुए इन महीनों को और अपने दिनों को गिनते हुए प्रभु जी, जो अभी आपने रखा खुदावन कि ये जनवरी का महीना और मार्च, प्रभु तब तक हमें बिल्कुल शुद्ध कर दे प्रभु जी, हमें पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु जी, एक एक रोम हमारा पवित्र आत्मा से भरा हुआ और हम इधर से उड़ने की तैयारी कर सके प्रभु। आपका नाम मुबारक हो। प्रार्थना सुनने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। छोटी सी विनती को अपने प्यारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आपके प्यार के लिए खुदावन, एक बार फिर आपने प्रभु जी आए और उससे बात करी खुदावन। yes, ये बिल्कुल सच है प्रभु, ये बाशीष नहीं, आप ही थे खुदावन। yes, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इसमें से आपके वचनों के लिए। आपने कहा yes. है मैं ही तो तेरे सब धर्म को क्षमा करता yes. Yes. सब लोगों को चंगा करता हूँ प्रभु। ये बिल्कुल सच है खुदावन आसमानी। आज जो आपने बातें करी हैं खुदावन यीशु मसीह, ये गुजरे दिनों में मेरे साथ हुई हैं और इनसे मैंने आपने मुझे छुटकारा दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपसे मांगता हूँ इसमें, जबकि बिल्कुल सच है खुदावन, जो यूट्यूब की जो दुष्ट आत्मा है खुदावन, इससे कोई बचा नहीं खुदावन, ये केवल आप ही हैं यीशु मसीह जो अपने बच्चों को बचा के रखते हैं खुदावन। आपसे मेरी विनती है प्रभु जी, आप मुझे मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, कलीसिया के प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक जन को प्रभु जी आप इस यूट्यूब की दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे खुदावन। और एजरा के समान प्रभु जी आप प्रार्थना करने का फजल दे यीशु मसीह, प्रार्थना करना सिखाएं खुदावन, एक जलन हमारे अंदर आप उपजा दें यीशु मसीह। कि हम अपने जाति भाइयों के लिए खुदावन अपने चरवाहे के समान प्रभु जो जिसे आपने वाली रखा है हम जाग सके खुदावन, प्रार्थना कर सके यीशु मसीह। ओ खुदावन बापा आसमानी, आप हमारी सहायता करें खुदावन, आप हमारी कमजोरियों को जानते हैं खुदावन, रहम करें और हर एक कमजोरी को यीशु मसीह जो हमारे और आपके बीच में आड़े आती है हमारे बीच में से आप दूर करें खुदावन। प्रभु यीशु मसीह आप दया करें, प्रार्थना करना सिखाएं खुदावन, अपने चरणों में बंध रहने का फजल दें खुदावन, अधिक समय आपको दे सके खुदावन, आप कृपा करें। ओ लॉर्ड आप हमारी सहायता करें खुदावन, आपका नाम मुबारक हो प्रभु। बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन, आज जो आपने बातें करी हैं खुदावन ये बिल्कुल सत्य और मानने योग्य हैं खुदावन। आपसे प्रार्थना यीशु मसीह, आप हमें सब प्रत्येक को ऐसा हृदय दें खुदा बापा आसमान, आपकी इन आज्ञाओं को, इन बातों को जहाँ आपने हमसे कही है कि हम अपने आप को पवित्र रखें खुदावन, हमें फजल दें यीशु मसीह, अपने आत्मा से भरें खुदावन। आपने कहा यीशु मसीह मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देके ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों को मांगो तो पालन करोगे। ओ लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन, आपके वायदों के लिए यीशु मसीह, आपका नाम मुबारक हो खुदावन। जितनी प्रार्थनाएं हुई हैं और जो होनी है प्रभु उन सब में भी मैं हाँ और आमीन के साथ शामिल होता हूँ खुदावन, क्योंकि आपने कहा जमीन पर जहाँ कहीं दो जगह एक बात के लिए सहमत होंगे वो उनके लिए हो जाएगी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह, आज आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है खुदावन, आप धन्य है, आपका नाम मुबारक हो। आशीष के लिए आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने जीवन दान दिया खुदावन, अब तक संभाला है, आप धन्य है, आपका नाम मुबारक हो। विनती है आप भाई आशीष को बहुत अच्छी से तंदुरुस्ती दे खुदावन, और अधिक आय से भर के आप हमारे लिए इस्तेमाल करें खुदावन, यीशु मसीह आपके पास करें, सब बातों में आपके नाम को महिमा मिले। प्रार्थना धन्यवाद सहित प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। बहनों के लिए मौका होगा और प्रभु यीशु मसीह मैं कैसे पुस्तक पढ़ रही थी प्रभु निर्गमन की और आपने कहा कि कैसे तुम ये मोबाइल्स को एक तरफ रख के इनको बंद करके और एक घर के किसी कोने में बैठ जाओ खुदा ने यीशु मसीह वचन के साथ प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। yes, Lord. उन्हीं बातों को आज आपने बताया प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदा ने यीशु मसीह आप ही हैं जो हमें करेक्ट करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद हो इस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु मसीह आपने हम पे ये दया करी है प्रभु। yes, हम Lord. इतने अच्छे नहीं थे खुदा ने यीशु मसीह कि इस भवन में भी बैठ पाते और ये संदेश में आ पाते खुदा ने यीशु मसीह,
लेकिन आपने हम पे एक रहम कर दिया प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जब जब आप हमें ताड़ना देते हैं प्रभु, मैं कहीं ना कहीं पकड़ी जाती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप मुझे माफ़ करें प्रभु और मेरी सहायता करें कि मैं अपने परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह आपकी हर बात को मान सकूं प्रभु और आपके साथ चल सकूं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि रैप्चर का टाइम अब दूर नहीं खुदा यीशु मसीह। ओ प्रभु, कैसे संदेश चल रहा है फ्यूचर होम प्रभु यीशु मसीह। ओ पिता, आप सहायता करिए खुदा यीशु मसीह। हम इस किसी लायक नहीं है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हम आपके द्वारा छुड़ाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ पिता, दया करें प्रभु यीशु मसीह। हे सहायक जो आपने हमारे लिए भेजा है प्रभु यीशु मसीह, हम इन बातों को अपने अंदर रखें प्रभु और माने प्रभु यीशु मसीह। कैसे खुदा यीशु मसीह वो एज़रा के टाइम के गुनाह आज लोगों के हाथों में है प्रभु, वो हम हमारे ऊपर है कि हम कैसे लॉर्ड, कैसे आपने बता दिया प्रभु, ओ प्रभु यीशु मसीह, कि हम क्या ना करें, क्यों कैसे इन गुनाहों में फंस सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस बात को खोलने के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ओ प्रभु, हमारे बच्चों की भी सहायता करिए प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु, ये सच है, ये यूट्यूब को प्रभु सिर्फ काम की चीज़ें हम कर सके प्रभु यीशु मसीह। अगर पढ़ाई है तो और संदेश सुनना है तो प्रभु उसको छोड़ और कुछ ना यूज़ करें प्रभु, आप दया करें प्रभु यीशु मसीह। ये बात को खोलने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ उन गुनाहों को जो आज इस फोन पे हैं प्रभु, जो एज़रा के टाइम थे प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह इस समझ के लिए प्रभु यीशु मसीह, कि आपने आज अपने जन के मार्फत हमें बताइए प्रभु। बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु। काश हर हृदय में ये बात पहुँच जाए खुदा यीशु मसीह, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारा रैप्चर जल्दी हो सके प्रभु, क्योंकि हम अभी संसार में सच में नहीं रहना चाहते प्रभु। हमें किसी चीज़ की कमी घटी आपने नहीं रखी प्रभु, फिर भी प्रभु हमारा इस संसार में मन नहीं लगता प्रभु। ओ प्रभु, हम इन पत्थरों के घर में रहने के लिए नहीं बने खुदा यीशु मसीह। आप हमारी बॉडी हम चेंज कर दीजिए, हमारे उस थियोफनी में हमें ले जाइए प्रभु। और खुदा यीशु मसीह, हर संदेशों को जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह, अपने अंदर प्रभु उनको रखें और तमाम गंध को प्रभु यीशु मसीह निकालते रहें प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप ही का संदेश है जो हमें शुद्ध करता है प्रभु यीशु मसीह। कैसे प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा आप हमेशा अपने वचन की रक्षा करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और जब आप अपने वचन की रक्षा करते हैं तो प्रभु हम खुद भी वचन बन जाएं प्रभु, ताकि आप हमारी रक्षा करें प्रभु यीशु मसीह। हमारे चारों ओर आप वचन के वचन की तरह रहे प्रभु यीशु मसीह। आप रहम करें प्रभु, आपकी दया हमारे बहन भाइयों पे बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन बच्चों के एग्जाम्स चल रहे प्रभु और प्रभु प्री वोट चल रहे प्रभु, आने वाले टाइम में एग्जाम्स है प्रभु, इनको बुद्धि दे हमारी कलीसिया के बच्चों को प्रभु, ताकि बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सके प्रभु। ये आपके बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह, और हमारा खुदा महान है, और हम उसकी वर्शिप करते हैं जो था जो है और जो है प्रभु यीशु मसीह, हमेशा है खुदा यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर दिन हम अपने अंदर आपको बसाते चले जाए प्रभु, और ये तमाम संसारिकता हमारे जीवन में से जाती रहे प्रभु यीशु मसीह। हमारे पास्टर भाई को, हमारे अंडर भाई लोगों को बड़ी बरकत दीजिए प्रभु, और प्रभु भाई के घर आने को बरकत दीजिए खुदा यीशु मसीह। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और जो भी बहन भाई हमारे नीडी हैं प्रभु, आप उनकी सहायता कीजिए प्रभु। कुछ बहन भाइयों के पास जॉब्स नहीं है प्रभु, घर में प्रॉब्लम्स हैं, आप सहायता कीजिए प्रभु। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बहुत लोग वचन से हट रहे हैं प्रभु, अजीब अजीब सी बातें हैं प्रभु, आप दया करिए खुदा यीशु मसीह। शैतान बहुत शातिर हो गया है खुदा यीशु मसीह। लॉर्ड, आप दया करें, अपने वचन की आड़ में रखें प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु खुदा यीशु मसीह, आपके दूतों का बाड़ा हमारे बहन भाइयों के चारों तरफ रह सके प्रभु। हमें उस पिरामिड की तरह बनाइए प्रभु, जिसमें से कि एक ब्लेड भी अंदर नहीं जा सकता खुदा यीशु मसीह। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आप हमारे अंदर कोई भी बुरी बात हमारे अंदर ना घुसने पाए प्रभु यीशु मसीह। आप रहम कीजिए प्रभु, दया कीजिए, आप ही कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु, जैसे जो भी भाई हैं जिनको बड़ी
प्रॉब्लम्स है प्रभु, आप दया कीजिए प्रभु यीशु मसीह, आपकी दया हम सारे सबके ऊपर बनी रहे प्रभु। धन्यवाद प्रार्थना अपने उद्धार की चट्टान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम को एक बार फिर से आपने अपने चरणों में आने का अनुग्रह दिया। हम जानते हैं खुदावन हम बड़े गुनहगार लोग हैं, इन वचनों को सुनने के तक के लोग नहीं है खुदावन, लेकिन आपकी बड़ी करुणा दया जो हमारे ऊपर हुई खुदावन, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन। यीशु मसीह हम देख पाए कि किस तरीके से हमने सोचा कि हमने टीवी को निकाल दिया और हमने एक दुष्टात्मा मार दी, लेकिन खुदावन वो छोटे छोटे मोबाइल्स के रूप में हम अपनी पॉकेट्स में लेके घूमते हैं खुदावन। ऐसे बड़े गुनाह से बचकर हम कैसे अपने उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं खुदावन। आज शाम को खुदावन हम आपके पास आए प्रभु जी, इस बात को जानते हुए खुदावन, आशु भैया ने तो बहुत अच्छा प्रीच करा, सब कुछ बहुत अच्छा है खुदावन, लेकिन हमें भी आप इसका रेवलेशन दे ताकि हम उस सिन को अपनी सोल के अंदर से निकाल सकें खुदावन। खुदावन ये बात सच है कि कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है होगी उस मोबाइल में खुदावन, एजुकेशन का एक बहाना बना के आज हमारे बच्चे स्पॉइल हो रहे हैं उसमें, हमारे बुजुर्ग स्पॉइल हो रहे हैं खुदावन, हम यंगस्टर जितने भी हैं सब स्पॉइल हो रहे हैं खुदावन, एक भी अछूता नहीं है इस गुनाह से खुदावन। मेरी आज आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है खुदावन कि हमने आज ये वाले सिंस पढ़े तो हैं खुदावन, लेकिन आप हमें इन सिंस से दूर होने का रेवलेशन दे खुदावन, क्योंकि यदि रेवलेशन नहीं होगा तो खुदावन हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है खुदावन। आप हमें उस आत्मा में दे खुदावन ताकि हम हमेशा के लिए उससे फिर सकें खुदावन, आप मसीह दया करें खुदावन। जब यहुन्ना आत्मा में आया तब उसने स्वर्ग की हर एक चीज को देखा, जब खुदावन यीशु मसीह पतरस के ऊपर वो प्रकाशन खुला खुदावन, बाकियों ने तो कह दिया था कि तू उस इसका पुत्र है, तू एक शारीरिक पुत्र है, लेकिन एक ही था जो जो एक रेवलेशन के थ्रू होते हुए उसने बताया कि तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है खुदावन। खुदावन जो कुछ भी प्रचारा गया है खुदावन, मैं हाँ और आमीन के साथ एक्सेप्ट करती हूँ, और इसके बावजूद भी खुदावन मैं चाहती हूँ कि ये शब्द नहीं बल्कि इन शब्दों का रेवलेशन आप हमें दें खुदावन, हमें मैसेजेस का रेवलेशन दें खुदावन। हम हर संडे अपने कानों से सुनते हैं, पूरे हफ्ते सुनते हैं खुदावन, और स्टिल आर बॉडीज आर नॉट चेंज खुदावन, क्योंकि वो बातें हमारी सोल में, आप हमें ऐसे बड़े गुनाह से बचाएं खुदावन, और इन बातों का रेवलेशन दे खुदावन जो आपने हमारे भाई को दिए, हमारे पास्टर भाई को दिए, हमारे प्रॉफिट को दिए खुदावन, खुदावन हम उस आत्मिक रैल में पहुंच सके खुदावन, ताकि हम इन तमाम चीज़ों से दूर हो सके खुदावन। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप ही कर सकते हैं ऐसा खुदावन। इस मोबाइल की दुष्ट आत्मा जो कि हम सबके घरों में बैठी हुई है खुदावन, आप हमें अलहदा करें और मैसेजेस के प्रकाशन में, मैसेजेस की लाइट में चलने का अनुग्रह करें। मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमारे बीमारों को चंगाई दें, स्पेशली खुदावन यीशु मसीह भाई बॉबिन के लिए खुदावन, हमें छोटी सी सांस नहीं आती तब हम परेशान होते हैं, वो भाई बहुत समय से बीमार है प्रभु यीशु मसीह, आप उनको उठा के खड़ा करें खुदावन। सर्जरी तो होने तो गई थी खुदावन भाई ब्रैनम की पत्नी की, लेकिन जब वो वहाँ पर ब्लेड लगाया जा रहा था उससे पहले वहाँ पे उन्हें हीलिंग मिल चुकी थी खुदावन। आप भाई बॉबिन के ऊपर भी बड़ी दया करें, भाई निशल के थ्रोट को आप चंगाई दें, और भी जो भाई बहन बीमार हैं खुदावन, बहन रेनू बेटे चिराग, आप इन लोगों के ऊपर बड़ी दया करें खुदावन, और खुदावन अपने भवन में रेस्टोर करें, हमें से हर एक को आप बहुत ऐसे ब्लेस करें, हमारी तमाम शारीरिक नीड्स को आप ही सप्लाई करें खुदावन। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरे थॉट्स को खुदावन आप जानते हैं, आप हमें से हर एक को बहुत ऐसे ब्लेस करें। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और कबूल करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, मैं भी आपके सम्मुख आती हूँ खुदावन, अपने हृदय को खोलते हुए खुदावन आपके आगे रखती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता कि आपने एक बार फिर से मुझे मौका दिया प्रभु। प्यारे खुदावन कोई खूबी मेरे अंदर नहीं पाई जाती प्रभु,
कोई भी अच्छी बात मेरे अंदर नहीं है खुदावन, लेकिन आपके अंदर ओ प्रभु खुदावन अच्छाई और धार्मिकता पाई जाती है प्रभु। आप सर्व संपन्न है खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आप सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि खुदावन आपके सम्मुख आने का फजल प्रभु मुझे मिला आपके अनुग्रह के द्वारा खुदावन। ओ लॉर्ड, हजार दिन संसार में बिताने से बेहतर है खुदावन कि एक ही पल आपकी उपस्थिति में बिता जाए प्रभु। आपका धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि आपके सम्मुख प्रभु मैं कुटलों पर आने पाई खुदावन। ओ प्रभु ये आपका अनुग्रह है, आपका रहम है खुदावन, आपके रहम के बगैर हम कुछ नहीं है खुदावन। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं पाई जाती खुदावन, लेकिन आप हमारे सर्व सर्वा खुदा जो हम पर रहम करते हैं, दया करते हैं खुदावन। ओ प्रभु अपने रहमत के अनुग्रह के नीचे हमें रखते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने हमसे बहुत प्यार किया खुदावन, आप बहुत मोहब्बत हमसे रखते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका यह रहम और प्यार ही है खुदावन जो हमें खींच कर लेकर आता है प्रभु। आपका धन्यवाद हो खुदावन इस वेस कीमती समय के लिए, इस बहुमूल्य समय के लिए खुदावन जो आपने हमें बख्शा है खुदावन। संसार के पास खुदावन इतनी दौलत नहीं खुदावन जो प्रभु आपके उपकारों के बदले कुछ आपको दे सके खुदावन। ओ प्रभु ना ही मेरे पास है खुदावन, सिर्फ मैं अपने होठों से आपका धन्यवाद ही करती हूँ प्रभु कि आपका रहम, आपकी आमद, आपका अनुग्रह प्रभु जो हम पर हुआ, मेरे भाई बहनों पर हुआ खुदावन, के प्रभु कैसे हम कितनी दूरी को तय करके प्रभु आप आते हैं आपके अनुग्रह से लॉर्ड। ये प्रकाशन आपने हमें बख्शा प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपके पवित्र नाम की तारीफ हो खुदावन के। एक बार फिर से आपने एक देह को हमारे बीच में इस्तेमाल किया खुदावन, और कैसे इज़रा के बारे में खुदावन आप हम बता रहे हैं प्रार्थना खुदावन, कैसे इज़रा व्याकुलता में है खुदावन, कैसे अपने लोगों के गुनाह को देख रहा खुदावन, कैसे वो व्याकुलता में आ रहा, कैसे प्रार्थना कर रहा प्रभु अपने लोगों के लिए। ओ प्रभु खुदावन रहम करे हमारे भाई बहनों के लिए भी प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन अपने परिवार में भी खुदावन, जब हम अपने ही घर में देखते हैं प्रभु अपने ही लोगों को खुदावन। ओ प्रभु आपका रहम मांगती हूँ खुदावन, दया करिए खुदावन, क्योंकि हम सारी आशा सारा विश्वास खुदावन आपके आगे रखते हैं खुदावन, क्योंकि हमें पूरी आशा आपके ऊपर है प्रभु कि आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता प्रभु, सारी डोर आपके हाथों में है खुदावन। आप रहम करें प्रभु यीशु मसीह हमारे जवान बच्चों पर, हमारे भाई बहनों पर खुदावन जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है खुदावन, आप रहम करें, इससे पहले रैप्चर हो खुदावन। ओ प्रभु हमारे भाई बहनों को खुदावन आप रैप्चर से पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु, रहम करें खुदावन और बच्चों पर इंटरनेट की बुरी गंद आत्मा से बचा लीजिए खुदावन। ओ प्रभु रहम करें, दुष्ट के पर्दा फास करें खुदावन हमारे बच्चों पर, हमारे जिस लोगों पर खुदावन जो इस चीज को नहीं समझ पा रहे प्रभु, हमारे पर बुद्धि को खोलें खुदावन, हमारे भाई बहनों के अंदर दया करें, हमें आपकी बहुत जरूरत है। और जब हम आपके अनुग्रह के द्वारा आई गए प्रभु, आप हमारे नाव को ले लीजिए खुदावन, हमारे इन देहों को ले लीजिए और आप इनमें सवारी कर जाइए खुदावन। जब हम जाएं तो हम आपसे भर कर जाना चाहते हैं प्रभु, आपको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं प्रभु। आप दया करें खुदावन, आप हमारे अंदर चलिए खुदावन, हमारे घर चलिए खुदावन, हमारे घर के हालतों को बदल दीजिए प्रभु। ओ लॉर्ड, रात कैसे मैं प्रभु सोच रही थी, रो रही थी खुदावन, प्रभु हमारे हालात अच्छे नहीं है खुदावन, दया करे प्रभु इस नए साल में हम पर रहम करे प्रभु, हमें आपकी जरूरत है प्रभु, हम भरना चाहते हैं प्रभु आपसे लॉर्ड। ओ पवित्र आत्मा आपके हाथों में हमारी डोर खुदावन, हम प्रभु रैप्चर मिस नहीं करना चाहते खुदा किसी कीमत पर, और जब समय को देखते हैं खुदावन कैसे ये नजदीक आ रहा है खुदा, और अपनी हालतों को देखते हैं प्रभु हम खुदावन अच्छे नहीं पाए जाते प्रभु, रहम करें प्रभु रहम करें, मेरे परिवार पर रहम करें खुदावन, आपने तो संभाला खुदावन, और ज्यादा हमें आपकी जरूरत है प्रभु, और ज्यादा हमें भरे खुदा, और पल आपके लिए जीना चाहते हैं प्रभु, रहम करे मेरे खुदा, रहम करे मेरे पवन के द्वारा कोई नहीं बचा सकता, मैं आपके बगैर हमें कोई नहीं बचा सकता प्रभु, हमें आपके और ज्यादा रहम की जरूरत है प्रभु,
हम आपकी दुआएं दे रहे खुदावन, हम पहले ऐप करके रैप्चर में हम जा रहे पाए लोग, कितनी भी कोई भी कीमती चीज हमसे छूटे खुदावन, लेकिन ये रैप्चर में सुना हो प्रभु, ओ प्रभु हम पर दया करें खुदावन, हमारे वजीज भाई बहनों पर दया करें प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, ऐसा अच्छा आत्मिक चलवा आपने हमारे लिए रख दिया खुदावन, ओ प्रभु इन मीटिंगों का अटेंड कर रहे खुदावन, फिर भी हमारी हालत प्रभु, ओ प्रभु बहुत हल्के हम पाए जाते हैं प्रभु, रहम करे प्रभु, अब इन मीटिंगों को प्रभु हल्के में ना लें खुदावन, अब हम पर दया करें प्रभु, हम एक एक वचन को अपने हृदय का हिस्सा बनाए खुदावन, हम एक एक वचन बन जाए खुदावन, ओ दया करें प्रभु, आप हम पर रहम करें प्रभु, प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पूरी कलीसिया को, तैयार कर दीजिए खुदा, पूरी तैयार कर दीजिए पूरी कलीसिया को लॉर्ड खुदावन, ये कलीसिया की तैयारी खुदावन हमें रैप्चर में लेकर जाएगी प्रभु, दया करें खुदावन, सारा आदर सारी महिमा आपके है खुदावन, आप इसके योग्य है खुदावन, वो इंसान इसके योग्य नहीं है लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह सारा आदर सारी महिमा आपके लिए, सारे जलाल आपके लिए खुदावन, सारी तारीफ आपके लिए, अपने प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से विनती प्रार्थना मांगते हैं लॉर्ड, छोटी छोटी बातें इनसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनसे फर्क पड़ता है प्यारे खुदावन, क्योंकि आपके वचन के विरुद्ध है प्यारे खुदावन, प्रभु यीशु मसीह में आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ ऐसे चलवाए के लिए प्यारे खुदावन, प्रभु यीशु मसीह यदि कोई आपकी ओर से ही ना भेजा गया हो वो इन बातों को प्रकट नहीं कर सकता, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने ऐसा के लिए, अपने प्यारे खुदावन तो प्रार्थना करने में नहीं कमे पाए गए, लेकिन हमारा पास तो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वो हमारे लिए जानते हैं प्यारे खुदावन, मैं कितनी धन्यवाद ही तो प्यारे खुदावन ऐसी उत्तम सेवकाई के नीचे आपने हमें रखा, आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, मैं सदैव अपने ऐज़रा के साथ बने रहूं प्यारे खुदावन, पर भी सुबसी मेरे भाई बहन प्यारे खुदावन कितने आशीषित है प्यारे खुदावन, इस फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री के नीचे पाए जाते हैं, और लॉर्ड आपका बहुत धन्यवाद है प्यारे खुदावन, पर भी सुबसी कैसे हम देख पा रहे हैं आज प्यारे खुदावन छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक कि एक साल के बच्चे को भी मोबाइल चलाना आता है, वो भी मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता, दुष्ट आत्मा ने किसी रीति से बच्चों को अपने अंदर जकड़ लिया, रोडों पे जाए, बसों में जाए, ट्रेन में, मेट्रो में, कहीं पर भी जाए, सब मोबाइल में लिप्त है, शैतान ने कैसे अद्भुत रीति से अपने शिकंजे में कस लिया है प्यारे खुदावन, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हमारे बच्चों को, हमारे भाई बहनों को अपने आत्मा से भर दीजिए, ओ प्यारे खुदावन कोई कोना खाली न रह जाए, कोई जगह न मिले प्यारे खुदावन, यदि हम वचन से बाहर जाते हैं प्यारे खुदावन, ओ लॉर्ड मां मृत्यु है प्यारे खुदावन, प्रभु यीशु मसीह मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन, हमने बहुत समय की चोरी की प्यारे खुदावन, प्रभु यीशु मसीह आज आपने एक बात समझा दी प्यारे खुदावन, यदि हम आपके वचन से दाएं बाएं होते हैं तो हम अपने रैप्चर को मिस करते हैं, ओ लॉर्ड हम किसी रीति से अपने रैप्चर को मिस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है प्यारे खुदावन, यीशु मसीह आप हमारा टेक चार्ज लें प्यारे खुदावन, अपने आत्मा को संपूर्ण रीति से हमारे अंदर उड़ेल दीजिए प्यारे खुदावन, जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो शैतान दुष्ट चालों पर प्यारे खुदावन सदैव जीवन पाया जाए, आपका बहुत धन्यवाद देती है ऐसे उत्तम संदेश के लिए प्यारे जिसकी हमें आज बहुत आवश्यकता है प्यारे खुदावन, पर भी समझे होने दीजिए जिन जिन के भी कानों में संदेश पड़ा उनके हृदय छिन जाए प्यारे खुदावन, वो अपने पुराने जीवन से लौट आए वो रियलाइज करे प्यारे खुदावन, आपको बहुत धन्यवाद देती है, कैसे कई प्यारे खुदावन मैं ऐज़रा के बारे में सोच रही थी, मैं सर्च कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा था प्यारे खुदावन, आज मेरी समझ में आया कि आप मुझे क्या दिखाना चाह रहे हैं, प्यारे खुदावन कैसा मैं ऐज़रा बन रहा है, अपने भाई बहनों के लिए दुआ करनी है, हमारे मन को शुद्ध पवित्र करें प्यारे खुदावन, प्यारे खुदावन क्या हो अपने भाई बहनों के लिए दुआ कर सके
आप अनुग्रह करें प्यारे खुदा। मैं यीशु मसीह मेरे एक एक भाई बहन आपके नाम में शुद्ध और पवित्र एक एक की प्रार्थनाओं को आप सुने और आमीन में कबूल करें प्यारे यीशु मसीह। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ, अपने बच्चों को कभी यीशु मसीह हमें बहुत सारी कमियां पाई मेरे तमाम भाई बहन जो बैग की हालत में प्यारे खुदावंद आपने लौटा दिया बचाई नहीं चलो। मैं आपसे प्रार्थना करती मेरे बीमार भाई बहनों को छुए जिनके लिए भी दुआ की गई उन्हें दीजिए कि वो यहाँ आकर आपके जीवित गवाह बने। कहने का है हमारे जीवित खुदा ने हमें संपूर्ण चंगाई दी। प्यारे खुदावंद आप सब कुछ करने में समर्थ हो। बहुत धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावंद ऐसे अभिषेक में आपने मुझे रखा है प्यारे खुदावंद। कैसे चारों ओर मौत बिगड़ी पड़ी आपने नाम ले लेकर हमें बुलाया आपके नाम सारा आदर सारी महिमा प्यारे खुदावंद। प्रार्थना करती हूँ हमारे भाई अरे बेंजामिन के लिए प्यारे खुदावंद आप उन्हें भी छुए और संपूर्ण चंगाई प्यारे खुदावंद आपके सेवक प्यारे खुदावंद आपके भवन में सबसे पहले आपकी सफाई करते थे प्यारे खुदावंद उनको अपनी पोस्ट और ड्यूटी पर वापस ले आए प्यारे और अपनी महिमा जलाल के लिए दया करें। मेरे पास्टर भाई आशीष को बहुत ब्लेस कर उनके परिवार आपकी बड़ी आशीष मेरे गाइडेंस भाई को बहुत ब्लेस कर प्यारे खुदावंद इस उम्र में भी प्यारे खुदावंद एक योद्धा की मालिक खड़े हैं प्यारे खुदावंद ऐसे सच्चे हैं आपका बहुत धन्यवाद है मेरे भाई और उनके परिवार को बड़ी आशीष तमाम भाई बहन जो यहाँ उपस्थित सबको नाम बनाना के नाम में मान प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का मैं लाख लाख शुक्र धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ओ खुदावा मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ आपने इस दसवें महीने में प्रभु जी हमारे गुनाहों का आपने उजागर किया प्रभु जी। ओ खुदावा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सच है प्रभु जी हम कहें कि हमारे अंदर कोई गुनाह नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं प्रभु जी, इसलिए अपने गुनाहों को हमारी गलतियों को हमारे पापों को हमारे अधर्म को जो आपके वचन के खिलाफ हैं प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से आपसे क्षमा मांगते हैं। क्योंकि यदि अपने पापों को अंगीकार करते हैं मान लेते हैं तो यीशु मसीह का लहू ओ प्रभु जी अवेलेबल है आज प्रभु जी हमें शुद्ध करने के लिए प्रभु जी। हम में से हर एक को आप शुद्ध करें हमारी गलतियों को ओ खुदाबा आप माफ करें हमारे गुनाहों को आप माफ करें प्रभु जी। ओ खुदाबा आप मेरे प्रार्थना है प्रभु जी मुझे क्षमा करें मेरे बच्चों को क्षमा करें मेरे घराने को क्षमा करें मेरे भाई और बहनों को आप क्षमा करें प्रभु जी। होने दे प्रभु जी हर एक वो चैनल प्रभु जी जिसमें से दुष्ट घुस सकता है प्रभु जी हमारे जीवनों में आप उन्हें ब्लॉक कर दें प्रभु जी। सिर्फ एक चैनल खुला रहे प्रभु जी वो विश्वास का चैनल प्रभु जी वो मैसेज का चैनल जो वचन का चैनल प्रभु जी वही हमारे लिए खुला रहे उसी के द्वारा हम आनंदित हो सके प्रभु जी और उसी के द्वारा अपने जीवनों को हम चला सकें प्रभु जी। सच है प्रभु जी वो बहुत ज़्यादा गंध दुनिया में फैल रहा है प्रभु जी। ओ खुदावा आप हमें उससे बचा के रखें प्रभु जी। होने दे प्रभु जी की रोज रोज प्रभु जी वो अपने आप को जांचे प्रभु जी क्योंकि पौलुस कहते हैं मैं रोज उलझाने वाली चीजों को पीछे फेंकता हूँ अपने को मारता कूटता हुआ वो उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ प्रभु जी। हम अपने आप को करेक्ट करें हर एक समय प्रभु जी तब गलतियों को देखते हैं आपके सन्मुख आए प्रभु जी क्षमा मांगे क्योंकि आप क्षमा करने में प्रभु जी वो दया के दीन है प्रभु जी। आपने हम में से हर एक को आज क्षमा किया है प्रभु जी और होने दे प्रभु जी आगे भी प्रभु जी ओ खुदाबा आप अपने जीवनों को हम परखते चले जाए आपका आना बहुत नजदीक है प्रभु जी आप किसी समय भी प्रकट हो सकते हैं प्रभु जी। ओ खुदाबा आप हमें रैप्चर के लिए तैयारी बख्श दे हर एक रुकावटों को दूर करें प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कैसे अद्भुत रीति से आप बात करते हैं प्रभु जी। मैं देख पाता हूँ वो एजरा
वो कैसे रो रहा होगा प्रभु जी, और कैसे रिपेंटेंस आई प्रभु जी। आज आपने कैसे अपने वचन को हमारे बीच में लेकर के आए प्रभु जी। हम भी एजला की नाई, आप यहाँ से जाने के बाद हमारी दुआएं खत्म ना हो जाएं प्रभु जी, लेकिन लगली बट कर घर में प्रभु जी वो अपने मेडिटेट करें प्रभु जी, और उन बातों को सोचे जो आपके वचन के खिलाफ जाती हैं प्रभु जी, और उन्हें अपने जीवनों से काट सकें प्रभु जी। और आपने कहा जैसे मेरा स्वर्ग के पिता सिद्ध है, वैसे तुम भी सिद्ध बनो, हम सिद्ध बन सके और रैप्चर की तैयार हो सके। हमारे पास्टर भाई को आप बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, भाई को आपने जीवन दान दिया, और ओ खुदा आप अपने रेवलेशन से भाई को भर रहे हैं प्रभु जी, भाई को और माइटली इस्तेमाल करें प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमेन। मैं पास्टर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा क्या करें अपना। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं। अब 5 मिनट का मौका हमें से हर एक के लिए है, जहां पर भी आप खड़े हैं अपनी दुआओं को प्रभु के सामने रख सकते हैं। मेरे
आप ही हमें तैयारी कर से दो कि आपके साथ जाने वाले बने, हम अपने आप से तैयार नहीं हो सकते, हमारे तैयार करने वाले मेरे प्यारे आप ही दया करिए, आपका नाम नहीं चाहते में, आप बहना नहीं चाहते जबकि प्रभु हमें सब कुछ आपने दिया है, खाना पीना सब दिया है प्रभु, फिर भी प्रभु यहाँ मन नहीं लगता प्यारे मसीह, आप हमारी मदद करें प्रभु, हमें जल्दी से जल्दी अपने आप से जाने वाले बने, आमीन, हालेलुया, आपका नाम मुबारक हो प्रभु, आपकी प्रशंसा हो प्रभु, मेरे दीपक भाइयों के साथ प्रभु बहुत आशीष है, इतने अच्छे भाई हमारे बीच में रखे तो इसके लिए बहुत Jesus, take me as I am. I can't come no other way. Take me deeper into you. My flesh life melt away. Make me like a precious stone, crystal clear and finally whole. Life of Jesus shining through, oh, giving glory back to you. Under your blood, Lord Jesus, I come, thanking you for this day which you have given to us. We don't come here as hypocrites, Lord, but as your sons and daughters. Under your blood, Lord Jesus, we don't have any abilities of our own. But like Ezra, who blushed for the sins of his people, tonight as we come, Lord, we blush before your presence for our wrongs, our sins, our unbelief, our time wastage, our partaking from the accursed things of Hollywood, Bollywood, and this world, Lord. Oh God, forgive us. Thank you for sending this realization. Oh God, because you are interested in us. Truly, you have been interested in us. That's why you are showing us these things. Now take away all these bad habits from our lives. Give us victory over this devil, our family members, a victory over this demon of YouTube and wasting our time on these videos and our lots of time on the internet. Lord Jesus, cast this demon from amongst us and bind it in hell for the day of its destruction. Oh Lord, just once more, send your power in such a way that we be set free. And Lord, be united with you, Lord Jesus. Oh Lord, united in your presence to hear your word and your promises. The word of this hour through the prophet. And be blessed. How few Tuesdays back, we are hearing this message on this Thursday also. To hear the message of the prophet, then the curse will be taken away. Oh God, give us grace to hear as much as possible the word of this hour. And take away the curses from our minds, the effects of curses from our bodies,
and make us every bit whole. I pray for healing of our families, our brothers and sisters. I pray, Lord, that the backsliders be brought back to thy kingdom. I also pray, Lord, give us grace to walk forward in this world with you and get ready for the rapture. Oh Lord, let the spirit of revival never die from our lives, but let it always remain in our lives as we completely surrender ourselves into your mighty hands of grace. I know you heard our prayer. Give us victory, oh Lord, and our families, our church, this victory. In Jesus' name, thank you, Lord. I pray for the sick who have been prayed for. I say yea and amen to every prayer. Be with Brother Neil Bobbin and his surgery, Lord. Give him grace and a quick recovery. I pray for recovery of Chirag, Lord. Let him also be restored to the house. I pray for Brother Ashish Rastogi, Lord. Heal him. Heal his spine. Other brothers and sisters who are sick due to cough and cold, heal them. Thank you, Lord, for hearing our prayers. For by thy stripes we are healed. How on Sunday we heard a testimony that a sister who was a gone case, you healed her lungs. You're still that same Jesus. Heal our brothers and sisters. Here's my prayer. Thank you, Father, for hearing our prayer. We are your bride. We are your bride. We are your bride. And let us behave as one. Let's lay in your presence. We'll get ripened by the Son of your presence. Lord Jesus, be ready for the rapture. Blessed be your holy name. Fight our cases. Take away all hurdles from our ways. Be with the children in the examinations. You sit in them, Lord. Give them wisdom. Blessed be your holy name. In the name of Jesus Christ, Lord, we ask this prayer. Amen. Aye, hamare baap, aap jo asmaan mein hain. आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो, हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं, हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन और आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। आप लोग नीचे जा सकते हैं और भोजन में